अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। मुकुल, शिक्षा, शिवानी, रागिनी, अजितेश, विप्रजीत, अनुज, कृतिका, सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वार्म वेलकम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, मैं बिल्कुल आ गया हूं और शुरू करते हैं आज का सेशन, दैट इज अप्रैल के करंट अफेयर्स। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? एम आई लाउड एंड क्लियर? वॉइस एंड वीडियो एक बार प्लीज चेक कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सौम्या, स्वीटी, शिवानी, सबका बहुत बहुत स्वागत, अ वार्म वेलकम। तो आज का हमारा सेशन है अप्रैल के पार्ट टू के करंट अफेयर्स, बहुत डिटेल में है, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी शुड स्टार्ट। स्वाति, वेलकम टू द सेशन। एकता, थैंक यू सौम्या, थैंक यू। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बता दो कि लाइव हो चुका है सेशन और जल्दी से आ जाएं और शुरू करते हैं। थैंक यू मंथन, थैंक यू रोहित, आरती, विशाखा, ध्यान। सो दिस इज संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स 100। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी से बाकियों को भी बता दीजिए। क्लॉ, अल्फा, अंशु, सुदीप्ता, सार्थक, रागिनी, आयुष्मान, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और ये हैं सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन ज्वाइन मी। और सेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। सो लेट मी मैं इसको एक बार साइलेंट कर लेता हूँ। अभी 10 ग्रुप में शेयर करके आया हूँ। चलो, वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। सीरियसली आई शुड टेल यू के आई एम नॉट फीलिंग दैट आई एम रनिंग दिस चैनल ऑल अलोन। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल अलोन बिकॉज देर इज लॉट ऑफ टीम एफर्ट गोइंग इन टू इट। मेनी पीपल आर वॉलेंटियरिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्किल्स। थैंक यू अमन राही, इफ ही इज सो ही सेंडिंग मी के सर ये प्रॉबेबल जो है आपका कह लीजिए थंबनेल हो सकता है, सो आई एम इन टू आई टी सो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट, सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम संदीप बंसल। Many people ask for me for that, so I have deliberately added this particular slide. Manish, Aparna, Avinash, Shrutika, this is QR code and UPI ID. I'm again and again telling you that I don't want to make this session paid. So it is very much required that voluntary contribution should be there, and so that these sessions can go on for a longer period of time. Harsh Lanki, hello. चलिए सर, सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइस ओनली। चलिए शुरू करते हैं। सो ठीक है, सो गेटिंग द डिमांड्स फॉर मैथ्स एंड हिस्ट्री क्लासेस आल्सो। आज का सेशन हम इकोनॉमी से शुरू करेंगे। कल हमने मैं अपने दो दुश्मनों को लेकर आया हूं सर, क्या बात है, ठीक है, मैं भी इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ही मालिक, जब इतना खर्चा हो ही गया तो चिप्स भी ले ही लेते हैं। यस यस यस, द वेरी अच्छी मूवी है। ठीक है जी, इकोनॉमी को शुरू करते हैं। ऑल सेट, ऑल सेट टू गो। ठीक है, सो पॉवर्टी एस्टिमेट्स, सबसे पहले देखो गरीबी क्या है, गरीबी को कैसे डिफाइन किया जाए। ठीक है, कई बार आप लोग भी बाइक पे, स्कूटी पे जा रहे होते हैं और सामने से किसी की अच्छी सी गाड़ी निकलती है तो आप कहते हैं यार मैं कितना गरीब हूँ, बताओ यार गाड़ी में घूम रहा है, मैं बाइक पे घूम रहा हूँ या स्कूटी पे घूम रही हूँ, ठीक है, या घूम रहा हूँ। तो ये मतलब गरीबी की डेफिनेशन वेरी कर सकती है। इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, जब आपको लगता है कि यार वाओ मेरे पास नहीं है, सो दैट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एज ऑफ नाउ। सो IMF और वर्ल्ड बैंक ने दो डिफरेंट एस्टिमेट्स पॉवर्टी के और इनइक्वालिटी के जारी किए इंडिया में। तो इन्होंने बताया कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे, जो वर्ल्ड बैंक का पेपर है, इसमें कहा गया कि 12.3% डिक्लाइन हुआ है एक्सट्रीम पॉवर्टी में। अब ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है इसकी भी मैं डेफिनेशन दूंगा, पहले डाटा देख लीजिए। लगभग 22.5% से 10% गरीबी रह गई है एज पर द वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जो IMF का ये कहना है
कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो तो 1.3% ही रहेगी इंडिया में, लगभग खत्म हो चुकी है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। अब ये पॉवर्टी और डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है, इंडिया में भी विवाद रहा है, बाहर भी विवाद रहा है। बट इसको आप कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी। कई बार आप कहते होंगे कि मैं शहर में आ गया, यहां खर्चा ज्यादा होता है, गांव में मेरे खर्चा कम होता था, है ना। तो वो क्या है, वो परचेजिंग पावर पैरिटी है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जो शहर में फॉर एग्जांपल आप 10,000 में इंजॉय कर रहे हैं, वो हो सकता है गांव में आप 7,000 में 5,000 में ही इंजॉय कर ले। तो इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जनरली ये हम गांव या शहर का नहीं देखते, ये कंट्री वाइज देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था एक बार कि $1 जो है, मैं अगर आपको कहूं 21 रुपए का है तो आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, हम तो रोज पढ़ रहे हैं 80 रुपए का है $1। तो मैं कहूंगा नहीं बेटा 21 रुपए का ही है। सर गलत पढ़ा रहे हो आप। तो 21 रुपए जो है, और ये वर्ल्ड बैंक कहता है, ठीक है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है। मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप $100 में यूएस में इंजॉय करोगे, वही सेम चीज जो है अराउंड 2100 में आप इंडिया में इंजॉय कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, नहीं देखो जे जे ओलोटून जी, ये नाम नहीं समझ आया मेरे को, चलो मैं जे जे बोल देता हूं, ठीक है, जे जे कॉलोनी जमुना पार। तो ये बेटा ये है कि 15 लाख है गरीब व्यक्ति, अगर देश में एक भी है तो वो भी एक कह लीजिए उसको एड्रेस होना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के 1.3% कुछ नहीं होता है, बिल्कुल है, अब हमारी पॉपुलेशन इतनी है सो दैट मीन समथिंग। बट यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है 1.9%, ठीक है जी, $1.9 ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी अ डे आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली पुअर बाय द वर्ल्ड बैंक। देखो दिल्ली में यही चलता है, मेरे एकदम जेजे लेते ही वो दिमाग में आया। रिलेटिव पॉवर्टी रिप्रेजेंट्स द वर्स इनकम रिसोर्सेज स्टेटस, ठीक है, उसको बताता है। तो कुल मिला के इसको लेकर डाउट रहा कि भाई किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, बट एक एब्सोल्यूट जो कह लीजिए पॉवर्टी को $1.9, तो मैं इसको मान के चलूं लगभग 150 रुपया आज के हिसाब से पर डे। तो आप कहेंगे सर 150 रुपया तो बहुत कम होता है, कोई व्यक्ति कैसे काम चला लेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि 4,500, ये पर व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। मान लो घर में चार लोग हैं तो ये 18,000 हो गया, ठीक है, विच इज एन अमाउंट इन इंडिया, ठीक है जी। चलिए, अच्छा जे जे नाम से जामनगर है, ठीक है जी, ठीक है। आगे चलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। कल का अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो या कल रात की अगर करंट अफेयर्स की न्यूज डिस्कस की हो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश आईएमएफ से कह रहा है कि भाई साहब हमें $4.5 बिलियन जो है लोन दे दो, या कह लीजिए एक पैकेज दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है ये करंट अकाउंट डेफिसिट कौन सी चीज है। अभी हमने इंडिया के केस में भी पढ़ा कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये कहा गया कि जो है $23 बिलियन 2.7% ऑफ GDP पहुंचा। तो इसमें दो चीजें आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, सीधा मैं इस पे आता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, विजिबल, मतलब जो देख सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, मतलब इसका जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनविजिबल सर्विसेज। मान लीजिए आज मैं जो है इस क्लास में फॉरेन के भी बच्चे पढ़ने लगते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए कि विदेशों के बच्चे भी इस क्लास को अटेंड करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सर्विसेज हो जाएंगी, इनविजिबल सर्विसेज। सो दैट इनकम हो गया, ठीक है, प्रोफाइल इंटरेस्ट पे जो रेमिटेंसेज आते हैं वो हो गए। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट में। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, FDI, FII, जो बल्क इन्वेस्टमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट और कैपिटल का जो बेसिक डिफरेंस है, करंट हो गया शॉर्ट टर्म और कैपिटल हो गया लॉन्ग टर्म, जनरली लमसम पेमेंट जो होगी, बड़ी पेमेंट हो गई। तो गवर्नमेंट अगर लोन लेती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो कंपनीज लेती हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिसको अभी रिलैक्स किया गया था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं अब वो ज्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डॉलर इंडिया में आए, ठीक है। हमने NRI के जो डिपॉजिट्स थे उन पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की, ताकि डॉलर ज्यादा से ज्यादा आए,
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आती है कैपिटल अकाउंट में। अब सवाल उठता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में दो चीजें हैं, एक ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज। तो गुड्स में हम ट्रेड डेफिसिट हैं, सर्विसेज में हम ट्रेड सरप्लस हैं, ओवरऑल की बात करें तो हम लॉस में हैं या कह लीजिए डेफिसिट में हैं। तब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। मतलब मान लो 100 रुपया हम कमा रहे हैं, 120 खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपए कहां से आ रहे हैं जो इंपोर्ट का है? वो बेटा आपका आता है यहां से, ठीक है, यहां से बांग्लादेश ऑन द वे टू, नहीं, ऐसा नहीं है कल्पेश। बांग्लादेश की इकोनॉमी इज अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी कंपेयर टू द अदर, पाकिस्तान और श्रीलंका। बट जिस तरीके से जो डॉलर का क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो पहले से ही उस चीज की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। अगर आपको याद हो, आप ये मान के चलो अगले 1 से 2 महीने में आपको नेपाल की भी सेम न्यूज मिलने वाली है, ठीक है, नेपाल से भी हम क्लास में ये डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अगर भविष्यवाणी कर दी आपने, भविष्यवाणी नहीं, वो सीक्वेंस है इवेंट्स की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो भी क्या कर चुके हैं, जो जो लग्जरी आइटम्स है उनका इंपोर्ट बैन कर चुके हैं, बांग्लादेश ने भी ऐसा किया, फिर उन्होंने कहा कोई फॉरेन घूमने नहीं जाएगा ताकि डॉलर बचा रहे, तो वो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में वो भी चल रहे हैं। तो मान के चलिए पूरे साउथ एशिया में एक इंडियन इकोनॉमी ऐसी है जो थोड़ा स्टेबल चल रही है, ठीक है। तो वाला है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो वैसे ही मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं। चलो, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट आपका चल रहा है, ठीक, क्लियर हुआ ये चीज। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है वो कम है और एक इंपोर्ट आपका ज्यादा है। लिस्ट में चाइना और जापान भी हैं, बट इंडिया इज, यस यस, इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, टोटल डेट है, वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। चलिए, लखनऊ वाले खुश हो गए, सब यूपी वाले खुश हो गए, क्या बात है। चलिए आगे चलते हैं। सो पोटेंशियल थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, एलिवेटेड ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस, न्यू कोविड वेरिएंट्स, ये सारे के सारे कारण आपको पता है। मतलब अल्टीमेटली ये सारी की सारी सिचुएशन क्यों चल रही है। एक तरफ कोविड की मार थी, अभी कोविड की मार से अभी उभरे ही थे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, वहां से वीट, वहां से सनफ्लावर ऑयल, वहां से जो कच्चा तेल है वो आना बंद हो गया, प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गई, इधर इकॉनमी बढ़ नहीं रही, स्टैगफ्लेशन आ गया, ये सारे के सारे फैक्टर एक साथ हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। वो रिपोर्ट कौन सी है जिसमें इंडिया के रिसेशन में, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आई थिंक कल्पेश, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, डेफिसिट जयंत, ओके, जयंत का पॉइंट लेते हैं। देखो डेफिसिट क्या होता है, कमी है ना, डेफिसिट, सरप्लस क्या है, सरप्लस है मेरे पास, ठीक है। तो मान लो मेरा एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूं 100 रुपए का, ठीक है, और इंपोर्ट किसी बाहर के देश से कोई भी कच्चा तेल एक्स वाई जेड जितनी भी आइटम्स हैं वो मैं 90 रुपए का कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो गया, मैंने पैसे ज्यादा कमाए, खर्चे कम, तो 10 रुपए सेव हो गए ना मेरे पास, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रेड सरप्लस हो गया आप, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कर रहे हो 100 का, इंपोर्ट कर रहे हो 10 का, तो ये -10, तो -10 को हम क्या लिख दे रहे हैं, डेफिसिट लिख दे रहे हैं, ठीक है जी। स्टैगफ्लेशन होता है स्टेगनेशन प्लस इन्फ्लेशन, इकोनॉमी स्टेगनेंट है, ग्रो नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, सो दैट कंडीशन इज व्हाट वी कॉल द स्टैगफ्लेशन। अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो सीधा सीधा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, आप सीधी पहली चीज क्या कर रहे हैं, स्टेग्नेशन है, इकॉनमी में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो इससे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी ग्रोथ रेट और कम होगी। एग्जैक्टली हमने, अगर आपको याद हो, कल के भी न्यूज जो पढ़ा था कि रिसेशन का खतरा होगा, क्यों, क्योंकि आप जो खर्चा करोगे, खर्चा करने में 4 बार सोचोगे कि यार इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैं पैसे को सेव करके रखता हूं, पैसे को सेव करके रखोगे तो आपकी डिमांड कम हो रही है इकोनॉमी में, डिमांड कम होगी तो कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो वो सर्कल में आप चले जाओगे, ठीक है जी। चलो ये सारी की सारी, अच्छा अभी तक बीओपी क्राइसिस आप मान के चलो लगभग लगभग 1991 में इंडिया में भी आ गया था, जब हम कहते हैं कि हमारे पास अराउंड 20 दिन का, 21 दिन का, अराउंड 2 to 3 वीक्स का ही
इंपोर्ट करने का पैसा बचा था, तब इकोनॉमी को ओपन अप किया गया, ठीक है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में, रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस, ये सारी की सारी चीजें। अभी कल हमने बांग्लादेश की न्यूज भी पढ़ ली, पाकिस्तान का हाल ऑलरेडी बिल्कुल डिफॉल्ट की कंडीशन पे है, नेपाल की न्यूज आप मान के चलो अगले 2 महीने में कंफर्म है, 2 महीने भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है महीने के अंदर अंदर न्यूज आ जाए। तो ये सारी की सारी सिचुएशन सब जगह चल रही है। कितनी न्यूज हो गई, पहली ही चली है। हाँ, डिफ्लेशन उल्टा होता है। डिफ्लेशन में क्या है, देखो एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। एक डिसइन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है। अब फिर इकोनॉमी, हाँ जी डॉक्टर मनमोहन सिंह, चलो ये बताओ किसको पता है डिसफ्लेशन और डिफ्लेशन, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओएनडीसी को लेकर मैंने एक पूरी 15 मिनट की वीडियो बनाई है, इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में जाना और उसमें ओएनडीसी के बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सीधा सीधा आपका पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है किसी इंटरव्यू में डिबेट में पूछ ले, आप ऐसे बिल्कुल हक्के बक्के ओएनडीसी क्या होता है डायग्राम से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अभी आप क्या करते हो, मान लो आपको अमेजन से कोई कोई भी सामान मंगवाना है, या आपको फ्लिपकार्ट से, या कोई भी XYZ ऐप है जो भी आप जो यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, और वो ऐप क्या है, या कह लीजिए वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो एक तरह का एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है, वो एक इंटरमीडिएरी है जहां पर बायर और सेलर आ रहे हैं। सेलर अपने आप को रजिस्टर कर रहा है कि भाई साहब मैं ये सामान बेचना चाहता हूं, और बायर उस ऐप को डाउनलोड करता है, ठीक है जी। अब एक इसको ऐसे मान के चलो, आपके मोहल्ले में जो एक दुकान है परचून की, उसने भी अमेजन के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है। अब आपके मोहल्ले में 4 लोग हैं जो ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, तो अब चारों को अमेजन ऐप ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं अमेजन की एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि आई होप यू ऑल कैन रिलेट विद इट, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डिसफ्लेशन इज डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन मीन्स लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यस यस अजितेश, गवर्नमेंट ट्राइंग टू रेगुलेट इट। डिफ्लेशन मीन्स रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन है ये, वो डिसइन्फ्लेशन है अजितेश। स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिसफ्लेशन होता है, और डिफ्लेशन होता है जब इकोनॉमिक स्लोडाउन और लॉस ऑफ जॉब्स होता है। डिस इन्फ्लेशन हो गया आपका जब रेट, मतलब मान लो पहले महंगाई 8% थी, अब 7% है, अब 6% है, दिस इज डिसफ्लेशन। डिफ्लेट इकोनॉमी वो हो गई है, ठीक है, नीचे जाना शुरू हो गया, नेगेटिव हो गया। कमिंग बैक टू ओएनडीसी, हाँ मैं अब आपको बता रहा था कि आपके मोहल्ले में 4 लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब उस दुकानदार ने अमेजन के साथ एज अ सेलर रजिस्टर कर लिया, तो उस अब चारों लोगों को जो ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं उनको अमेजन ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब उनमें से मान लो 4 जो बायर्स हैं, एक के पास अमेजन से कर रहा है, एक फ्लिपकार्ट से कर रहा है, ठीक है जी, एक मान लो मिंत्रा से कर रहा है, इस तरीके से, मतलब मैंने एक रेंडम एग्जाम्पल ले ली। तो अब क्या होगा, जो आपका ये प्लेटफॉर्म, मतलब जो सेलर है, वो तो सिर्फ जिसके पास अमेजन ऐप है उसी को बेच पाएगा ना, वो फ्लिपकार्ट जिसने डाउनलोड कर रखी है, या मिंत्रा कर रखी है, या जो भी XYZ ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर रखे हैं, उनको तो बेच नहीं पाएगा, तो उसकी मार्केट क्या हो गई, कम हो गई। अब ONDC इज नथिंग बट जो UPI ने किया है, ठीक है जी। अब मान लो मैंने आपको अभी UPI का एक QR कोड दिखाया है ना, UPI ID दिखाया आपको क्लास के शुरू में, तो आपके पास बेशक पेटीएम है, फोन पे है, XYZ कोई भी ई वॉलेट है, तो मेरा वो जो मैंने QR कोड दिखाया आपको वो गूगल पे का है, तो आप XYZ जितने भी ई वॉलेट्स हैं उनको यूज करके मेरे को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, समझ आ गया। तो UPI ने ये किया है, जो बैरियर था वो खत्म कर दिया, ये नहीं है कि दुकानदार के पास गूगल पे है, आपने पेटीएम डाउनलोड कर रखा है तो वहां ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, अब ट्रांजेक्शन हो सकती है। सिमिलर यहां होने की बात चल रही है, इसको फ्यूचर की रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सेलर इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होगा, तो वो जितने भी कंज्यूमर हैं वो किसी भी ऐप से इस सेलर से सामान मंगवा सकते हैं, समझ आया। ये ONDC क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो इसको भी जिस तरीके से UPI को कहा जा रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन में,
एक रेवोल्यूशन ला दिया, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, वैसे ही कहा जा रहा है कि ओएनडीसी भी कर सकता है। क्लियर? इन शॉर्ट, ओएनडीसी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल्कुल ठीक है। तो आप एक सेलर ने अपने आप को ओएनडीसी, देखो ओएनडीसी अपने आप में एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ओएनडीसी क्या कर रहा है, जो यूपीआई ने किया सबको मर्ज कर रहा है, ठीक है, सबको साथ लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो क्या कहते हैं, हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग ले रहा है कि आ जाओ हम सब लोग साथ में काम करते हैं। मतलब आपसे एक सारे आप एक ऐप से सेल बाय कर सकते हैं, ये ऐप नहीं है। अगेन जैसे यूपीआई अपने आप में एक क्या कर रहा है, सीमलेस ट्रांजेक्शन कर रहा है। आप फोन पे से पेटीएम के यूपीआई कोड पे मतलब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुगम बना दिया, इजी बना दिया, सिमिलरली ये करना चाह रहा है। क्लियर? तो जो मोनोपोली है, एग्जैक्टली बिस्वा का पॉइंट बहुत सही है, जो मोनोपोली है उसको भी तोड़ने की बात है, कि जो मोनोपोली ना रहे किसी की, मतलब ये ना रहे कि जो ये देखा गया, ये हमने पिछले 2-2.5 साल में ये देखा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोली हो गई है, और या कुछ प्लेटफॉर्म्स को फायदा हो रहा है, बाकियों को नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे ये भी एलिगेशंस है कि कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं कुछ सेलर्स को ऊपर दिखाते हैं जानबूझकर, ताकि उनकी ज्यादा सेल हो, या सेम प्रोडक्ट, मान लो अब आपने क्या किया, आपके पास डाटा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने ये देखा कि इस, मान लो इस, मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, एसी है, 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, आपने देखा कि आपके पास पूरी इंडिया का डाटा है, आपने देखा कि 1.5 टन का एसी ज्यादा बिक रहा है, या इतने का मोबाइल फोन ज्यादा बिक रहा है, तो आपने क्या किया, वो उस 1.5 टन के एसी को, और उसमें भी विंडो एसी ज्यादा बिक रहा है, तो आपने क्या किया, किसी किसी भी कंपनी से आपने प्रोडक्शन करवा ली उस एसी की, उसमें लगाया अपना ठप्पा, और पहले जो सेलर बेच रहा था उसका जो मार्जिन था 10% 15%, आपने उस मार्जिन को खत्म करके अपने नाम से, अपने ही प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की भी प्रैक्टिसेस हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो वो चीजें भी खत्म होंगी, ठीक है। पॉइंट्स फेवर और अगेंस्ट में मैंने सारे बता दिए ना, वो दित आपको इसके फेवर, और उसमें फेवर में इसके ज्यादा पॉइंट्स हैं कि सारे जो, अच्छा नुकसान इसके पॉइंट क्या है वो मैंने उस वीडियो में बनाए हैं, वो 15 मिनट की वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने सारा डिस्कस किया, उसमें ये भी है नुकसान क्या होगा। मान लो आपने एक ऐप डाउनलोड कर रखी है अमेजन की, और जो सेलर है वो फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड है, अब मान लो आपको सामान पसंद नहीं आया, या जो सामान आपको बताया गया था वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कंप्लेंट कहाँ जाएगी, अमेजन के पास जाएगी या फ्लिपकार्ट के पास जाएगी, ठीक है, कौन रिजॉल्व करेगा, ठीक है। आपने मंगवाया था एक प्रोडक्ट, मेरे साथ हुआ एक बार, शर्ट मंगवाई, किसी और ही कलर की शर्ट आ गई, कुछ और ही आ गया, चलो क्लियर, चलो आगे, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। बहुत आज का टॉपिक बहुत सारे हैं, तो थोड़ा फास्ट रन अप करते हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, तो आरबीआई ने गाइडलाइंस को लेकर आए हैं। अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या कहानी है, ये समझ नहीं आया, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो नियो बैंक्स का कंसेप्ट आया, इसमें आई टेल वन एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, मेरा स्कूल टाइम का जो है फ्रेंड है, तो ही इज रनिंग अ स्टार्टअप इन बेंगलुरु, उसकी कंपनी एग्जैक्टली दिस इज न्यो बैंक, ही इज रनिंग अ न्यो बैंक, ही स्टार्टेड टू पार्टनर्स, थ्री पार्टनर्स, सो दे आर रनिंग अ न्यो बैंक। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, के देर आर सर्टन सेक्शन के जिनकी मंथली इनकम 25,000 to 60,000 है, वो जो है उनको बैंक्स ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, या कह लीजिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं है, तो हम उस टारगेटेड सेक्शन को फोकस करना चाह रहे हैं, उनकी छोटी छोटी सेविंग्स को करना चाह रहे हैं, ताकि वो सही जगह लगे और वो भी फॉर्मल बैंकिंग का पार्ट बने। अब इसमें क्या है, फेसलेस बैंक है, जैसे एक होता है कि आप ब्रांच होती है, आप जाते हैं वहां पर ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक जमा करते हैं, बट इसको लेकर आरबीआई थोड़ा सा भी चिंतित है, कि फेसलेस बैंक में आप देखो किसी भी दुकान में आप जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, तो आपको अगर लोग बैठे हुए दिखते तो आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये सही है, अगर ऑनलाइन होगा तो आपको लगेगा कि यार कौन है, कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है,
कौन उसमें काम कर रहा है, यू डोंट नो एनीथिंग। तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं गाइडलाइंस हैं। बट ये कहा गया कि 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए जाएंगे और इन परसुएंस ऑफ द कमिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट वॉज सेटअप बाय आरबीआई आउटलाइन अ रोड मैप फॉर द डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब इसमें ये है, एक नियो बैंक्स तो हो गए जो नए बैंक्स हैं, ओपन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, रेजर पे, ये आपने रेजर पे के बारे में आई थिंक होपफुली सुना होगा। ऑटोनमस यूनिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स, जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, आप एसबीआई की योनो ऐप यूज करते होगे, है ना, योनो, योनो लाइट, योनो ऐप है, इस तरीके से एक फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक्स हैं, वो जो है इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक्स हैं फुली रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेटर्स। New banks which have no branch or physical entity or operation, I mean to say that some doing inappropriate preference in search engines. Okay, so digital banks rely on internet and other proximate channels to offer their services, deposits, extend loans. वो कह रहे हैं कि एक market में एक हम space लेंगे, वहाँ का किराया देंगे, वहाँ की fixed cost देंगे, तो वो अगर cost बचाकर हम अच्छी services online दे पा रहे हैं तो why not? तो इसको आप ये कह सकते हैं कि digital banking is licenses go by different name, virtual banks in Hong Kong, internet only banks in Korea and digital banks in Singapore. तो अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है, ठीक है, कि जिसको आप virtual banks या जैसे Paytm bank आप कह सकते हैं, that is also kind of this thing only. तो इसमें combines online and mobile banking services under one umbrella. इसका मकसद क्या है कि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, अभी आज हमने पढ़ा कि 5G ऑक्शन कल से शुरू हो चुका है, कल दूसरा दिन था 5G ऑक्शन का, कल एक और न्यूज़ आई जो आज की रात 9 बजे वाली क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे, जिसमें कहा गया कि जो अनसर्व्ड एरियाज हैं, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, जहां तक अभी तक 3G ही चल रहा है, उनमें 4G पहुंचाया जाएगा, ठीक है। जस्ट बिफोर द क्लास वन ऑफ माई सीनियर कॉल्ड मी, ही सेड कि यार मैं सोचता हूँ कि बॉर्डर पे बैठा हूँ, तेरी क्लास देख लिया करूँ, कुछ रेगुलर अपडेट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो ही सेड के यार इंटरनेट ही नहीं आता, वो बफरिंग करता रहता है, सो आई वुड लव टू वॉच योर वीडियो, बट दैट इज, तो वहां पर 4G जा रहा है। तो अल्टीमेटली सारी चीजों का मकसद क्या है कि टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को यूज करते हुए सर्विसेज फार्फ्लंग एरिया तक लेके जाना। चलिए आगे चलते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंट्रोड्यूस्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एज अ फ्लोर इन द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, LAF में क्या फर्क है, ये मैंने इकॉनमी वाले सेशन में डिस्कस किया है, ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच द सेशन। सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलैटरल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न, और MSF में समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये एक डायग्राम देख लो, ठीक है। वैसे हमने काफी डिटेल में सौरभ उसमें डिस्कस किया था इकॉनमी में, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। देखो, रिवर्स रेपो और रेपो रेट को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लेना। बेसिक से समझाने की कोशिश किया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा बैंक को पैसे देना, मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ठीक है जी। अब दो चीजें आती हैं, एक आपका आता है कैश रिजर्व रेशो, एक आता है आपका जिसमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में क्या होता है कि कैश, गोल्ड या अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक सर्टन अमाउंट रखना रहता है बैंक्स को। LAF ओवरनाइट लेंडिंग बैंक्स फ्रॉम आर्बिट्रेज, हम आ रहा हूं एक एक करके समझते हैं तो फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग विंडो है ओवरनाइट फंड्स को लेने के लिए आरबीआई से। मान लीजिए किसी बैंक के पास कैश की कमी है तो ओवरनाइट बेसिस पर ले सकता है, बट ये जो भी बैंक का टोटल डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होगी। अब ये डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज क्या है, जो सेविंग बैंक में या FD में जो पैसा पड़ा है, वो जो टोटल उसकी कह लीजिए बैलेंस शीट में पैसा है, उसका 2% तक ही वो ले सकता है, ठीक है। अगेन कि बैंक जो है स्टेबल रहे, किसी भी तरीके से बैंक कोलैप्स ना करे। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मेनली लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए होता है, और
आज क्या सर इकॉनमी पढ़ा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है सुदीप्ता, क्योंकि करंट अफेयर्स में इकॉनमी वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सारे चीजें वैसे हम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर अभी आज हमने इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल इश्यूज। तो न्यूज ये थी कि 2022 से जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये रिप्लेस कर देगा फिक्स्ड रेट रेपो, रिवर्स रेपो को एज द फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, और इसका इंटरेस्ट रेट रखा गया 3.75%। जो डिपॉजिट्स होंगे SDF के तहत वो एलिजिबल नहीं होंगे CRR के तहत, मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 42, मतलब जो आप इसमें पैसा डिपॉजिट्स होंगे वो CRR में काउंट नहीं किया जाएगा, CRR अलग से आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये एक एलिजिबल एसेट होगा स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का। CRR कैन बी 100%, 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ व्हाट, एक बार प्लीज क्रॉस चेक। मनीष, मंथन, बिस्वा, जो आशा का क्वेश्चन है, एक बार प्लीज डू लेट मी नो ऑल्सो। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द पॉलिसी फॉर लैंड एक्वायर्ड अंडर द कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। अभी रिसेंटली कल या परसों की भी न्यूज थी कि जो आपका कोल मंत्री है, उन्होंने कहा था कि इंडिया में जो कोल की प्रोडक्शन है वो अगले साल जो है काफी बढ़ने जा रही है, उस पर हम काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो ये न्यूज नहीं समझ आई, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो बेस रेट है उसमें जो पैसा जमा किया जाएगा वो, जो ये बताया गया कि वो आपका कैश रिजर्व रेशो में नहीं आएगा। मतलब मान लो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली 500 करोड़ की एक बैंक ने, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन द कैश रिजर्व रेशियो, रादर दैट कैन बी कंसिडर्ड इन द स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आप कैश रिजर्व रेशियो देखोगे वो काफी कम रहती है, ठीक है, 4% 5% इसमें वेरी करती है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपकी 15 16 17 18% तक भी रहती है। ठीक है, ओके। कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज ओनर ऑफ दिस लैंड रिक्वायर्ड द सीबीए एक्ट। मकसद क्या है इसका कि प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ कोल बेयरिंग लैंड्स वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी फ्री फ्रॉम एनी इनकम्ब्रेंस, और जो लैंड अभी तक किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है कोल माइनिंग के लिए, और लैंड्स विच कोल हैज बीन माइंड आउट और डी कोल्ड और सच लैंड हैज बीन रिक्लेम्ड, इस पर फोकस करने की बात चल रही है। तो ये बताता है कि हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उन जगहों को जो कि ना तो सूटेबल है इकोनॉमिकली वायबल है कि वहां पर हम कोल माइनिंग कर सकें, या ऑलरेडी जहां पर कोल माइनिंग हो चुकी है तो उनको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो अबंडंड एरियाज हैं अभी, तो उन अबंडंड एरियाज को कैसे प्रमोट किया जाए इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइती जिसे हम कहते हैं, तो गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का एक मिशन शुरू किया था सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पर किस तरीके से चाइना से जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स थे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो नहीं आ पा रहे थे, सेमीकंडक्टर्स नहीं आ पा रहे थे, तो गाड़ियों की वेटिंग, 6 6 महीने गाड़ियों की वेटिंग चल रही है, मोबाइल फोन नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा। तो किस तरीके से हम इंडिया में ही सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें फ्यूचर में, सो टू डेवलप अ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले इकोसिस्टम इन इंडिया कमिटी शेल प्रोवाइड, कि किस तरीके से इनको देखा जाए। तो मल्टीनेशनल एयर एक्सेस कोबरा वॉरियर दैट वाज स्टेटेड टू बिगिन मार्च इन द यूके हैज बीन कैंसल ड्यू टू अनगोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन। ठीक है जी, थैंक यू बिस्वा, थैंक यू आशा, आई थिंक इट वाज आंसर टू यू, थैंक यू। सेमीकंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ मटीरियल दैट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स टू एबिलिटी टू कंडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में सेमीकंडक्टर्स क्या है। सो वैसे कल हमने देखा था। ठीक है,
आरबीआई रिलीजेज इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। निधि रूल्स, निधि रूल्स बेसिकली जो चिट फंड कंपनीज हैं, ठीक है, चिट फंड कंपनीज हैं उनको आप कह सकते हैं, कंपनी जो कि विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख नीड्स टू गेट इटसेल्फ डिक्लेयर्ड एज निधि फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। सिमिलर टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज फॉर्म टू बोरो एंड लेंड मनी टू इट्स मेंबर्स, और कहीं ना कहीं मेंबर्स में एक सेविंग हैबिट्स आए, सो नॉट रिक्वायर्ड टू गेट एन आरबीआई लाइसेंस बट नीड अप्रूवल अंडर द कंपनीज एक्ट। और एमसीए रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट्स इट्स ऑपरेशनल मैटर्स। आरबीआई के पास पावर है टू इशू डायरेक्शंस रिगार्डिंग द डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज, कांट डील विद चिट फंड्स। सबसे मतलब कह लीजिए सबसे बड़ी दिक्कत इनमें यही आती है, दे स्टार्टेड डूइंग द चिट फंड्स। चिट फंड्स 21 डबल में पैसा बाबू भैया, 21 डबल, 21 दिन में पैसा डबल, तो वो वाला जो डबल वाला पैसा है दैट इज फेक, दैट इज चिट फंड्स, सो दैट शुड नॉट बी, दैट इज ऑब्वियसली नॉट अलाउड, ठीक है। हाँ जी, सेशन आई एम मेकिंग सेंस या थोड़ा ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी, आगे चलें, कई लोगों को लग रहा है कि इकोनॉमी ज्यादा हो गया है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये क्लास ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस है अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इसमें आप कह सकते हैं कि दो तरीके के लोग आते हैं, जिन जो कि 120 दिन से ज्यादा स्पेंड करते हैं, 182 डे से कम स्पेंड करते हैं, और 15 लाख या इससे ज्यादा का एसेट्स इंडिया में रखते हैं। ओके, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ईपीसीजी स्कीम, इसमें मकसद क्या है, प्रोसीजर्स को रिलैक्स करना ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ईपीसीजी जीरो ड्यूटी स्कीम इनेबल्स एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। मेरे जैसे को इकॉनमी भी नहीं आता, क्लास ही ऐसी ही चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। ओके, एक्सपोर्टर हैज टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स वर्थ 6 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल ड्यूटी सेव्ड। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं आपको ना, देखो इकोनॉमी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इंफॉर्मेशन काफी डिटेल में है, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगा सीएपीएफ या सीडीएस में, बट हाँ आपको अगर आप देखेंगे वंस इन अ वाइल एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, दो क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इसमें आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, मकसद क्या है। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, तो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए आप हमेशा से उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये मकसद क्या रहा है, सो इनेबल्स इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फ्यूचर में ग्रोथ लेकर आएगा, कई सारे सेक्टर्स को बढ़ावा देगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। मान लो आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, तो मशीनरी जो है वो दैट इज गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम लाया गया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, ताकि वो मोटिवेट हों इस चीज को आगे ले जाने के लिए, ताकि जो छोटी कंपनीज है हमारे, लघु उद्योग हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं आपका ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने, तो वो कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो उनकी कह सकते हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अगर उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो अगेन उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया की कह लीजिए ग्रोथ होगी, सो दैट इज द मोटिव। तो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज यू कैन सी, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में, स्मॉल में और मीडियम एंटरप्राइजेस में, तो इतना जो है बेनिफिट सरकार देगी, सब्सिडी देगी अगर ZED सर्टिफिकेशन मिलता है अगर उनको, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में 80%, स्मॉल में 60 और मीडियम में 50%। इंडिया इन्वोक्स पीस क्लॉज फॉर थर्ड टाइम, तो WTO में एक पीस क्लॉज होता है, पीस क्लॉज क्या कहता है कि याद करो वो इंडिया और ब्राजील वाला इशू जिसमें हमने शुगर सब्सिडी ज्यादा दी थी, तो ब्राजील WTO पहुंच गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहते हुए कि जी ये 10% से ज्यादा की सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसमें एक पीस क्लॉज भी होता है। सो इसमें क्या होता है कि आप सब्सिडी जो है 10% से बढ़ाकर दे सकते हैं, सीलिंग ऑन सपोर्ट ऑफर टू द राइस फार्मर्स,
इसका मकसद क्या होता है? आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई हम 10% से ज्यादा दे रहे हैं और बोल के दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें अपने किसानों को बचाना है, हमें अपने डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ठीक है जी। सो ये है आपका पीस क्लॉज। यस, WTO वाला शुगर इशू। ठीक है, तो इसमें ये इसको इंडिया इन्वोक्स पीस क्लॉज फॉर थर्ड टाइम ये लिखा गया। तो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ये मैंने इकोनॉमी वाले सेशंस में डिस्कस ही थी, ये एक बार दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। ग्रीन बॉक्स क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एरियाज में आप काम कर रहे हैं, मतलब जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है बेसिकली, उसमें कोई लिमिट नहीं है सब्सिडीज की। एम्बर बॉक्स में है, जैसे MSP है, इनमें आप कर सकते हैं। ब्लू बॉक्स क्या होता है? एम्बर बॉक्स सब्सिडीज होते हैं पर प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज होती है। व्हाई डिडंट ब्राजील अप्रोच इंडिया डायरेक्टली? ये भी सही है पॉइंट कि इंडिया सीधा ही क्यों नहीं आ गया ब्राजील जो है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि नहीं हम कर रहे हैं, हम तो भेजेंगे, हमारे किसान हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उस केस में ये होता है कि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक कंट्री को, वो भी होता है, आप डिप्लोमेटिकली वो भी बताते हैं ब्राजील को क्या प्रॉब्लम हो गई। ब्राजील को बेटा ये प्रॉब्लम हुई थी कि ब्राजील में शुगर केन बहुत होता है, चीनी बहुत होती है, तो हमने जो अपने गन्ना किसानों को जो सब्सिडी दी थी WTO रूल्स के अकॉर्डिंग, हम 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं, बट उनका ये कहना था कि हमने सब्सिडी 10% से ज़्यादा दी। इससे क्या हुआ कि हमारा जो चीनी है वो दुनिया भर में ज़्यादा बिकने लगा, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है पीछे से, तो आपकी कॉम्पेटिटिवनेस बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 रुपये की लागत है, ठीक है, मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में 50 रुपये चल रहा है, अब सरकार आपको 10 रुपये की सब्सिडी दे दे, तो आप तो आपका तो लागत 40 हो गई, आप क्या करोगे इंटरनेशनल मार्केट में जाके? 45 रुपये, 45 रुपये, ठीक है, छूट छूट छूट, बड़ी छूट, तो सब क्या करेंगे, आपसे चीनी खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर वो वाली बात कि वही क्वालिटी, ठीक है, कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये क्यों ना ले, तो वो आपसे खरीदेगा तो बाकियों को नुकसान होगा। ठीक है, समझ आया माधवी के ब्राजील को क्या दिक्कत हुई। चलिए, सो FAO फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। हाँ, चिड़ क्या गया, मतलब उनके उनकी उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था ना, उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज 5 कॉमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडेक्सेस, तो इसमें सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो इसका एक इन्होंने इंडेक्स निकाला, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक, वर्क वुमेन, मतलब वर्क फोर्स कह लीजिए, वुमेन वर्क फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बताया कि 270 मिलियन वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल, जिसमें 53% फीमेल है, 47% मेल है। दिस इज गुड, लार्ज प्रेजेंस ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इज सीन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। आप खेतों में जाइए, आपको महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर जो है काम करती हुई नजर आएंगी, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, डोमेस्टिक एंड हाउसहोल्ड वर्कर्स में, अपैरल सेक्टर्स में। तमिलनाडु, मेघालय, केरल हैव द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स। रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग वुमेन रजिस्ट्रेशंस, तो अगेन मैंने जैसे आपको बताया, इनफॉर्मल इकोनॉमी में महिलाओं का परसेंटेज काफी अच्छा खासा है। स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मकसद क्या था? एक वर्चुअल हब कोलैबोरेट करना, वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, और स्मार्ट सिटीज की हम बात कर रहे हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रल और स्टेट मिलकर काम करती है, लॉन्च्ड इन 2015, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इनेबलिंग द लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजीज। ई सेंटर पोर्टल किसका था? एनीवन, चलो बताओ, ई सेंटर पोर्टल भी पढ़ा था वैसे हमने। यस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये माइती का था। सेवरल एप्लीकेशन अंडर द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ इन ट्रांस E2 प्रोग्राम, ताकि इंडिया का ट्रैफिक सिनेरियो बढ़ाया जा सके। आपको पता है इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा रोड कह लीजिए एक्सीडेंट्स हैं, पीपल जो लोगों की डेथ्स हैं वो सबसे ज्यादा है, तो हाउ टू इम्प्रूव अबाउट इट, सेफ्टी, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन, मोबिलिटी ऑफ पीपल, गुड्स, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स, जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है? मतलब एक सामान था, बिस्किट का पैकेट फैक्ट्री में बना और आपके घर तक आने में जो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, ठीक है, सो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ये कल हमने पढ़ा था क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 540 मेगावाट का, जिस पर जो है
पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है। सो ये जम्मू कश्मीर में टू हार्नेस अ वास्ट हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ रिवर चिनाब, ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये खासकर ये आपका एफ कैट वाला क्वेश्चन है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, चारों ऑप्शन भी इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज देगा और वहां आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे, तो ये ध्यान रखना क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब पे है और दिस इज इट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डॉट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट रूल्स, सो न्यू रूल्स फॉलोइंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 20% इन LIC, अभी हमने देखा। अच्छा, कल हमने एक और न्यूज पढ़ी है, कल एक और न्यूज आई थी कि LIC का शेयर प्राइसेस ऑल टाइम लो पे जाता जा रहा है, सरकारी कंपनी का जो कह लीजिए LIC, जिसको इतना बड़ी कंपनी कहा जाता है, और सरकार ने उसको लगातार उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है कम की IPO लाने से पहले, और वो और कम हो गई, ठीक है जी। चलिए, बिस्वा कह रहे हैं हाँ मेरे को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। गाइज माई क्वेश्चन विजिबल रिगार्डिंग ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स का, हाँ जी, मेरे को नहीं पता लगा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं जब आप इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं और उस सब्सिडीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। फेरा फेमा कल डिस्कस किया था, फेरा और फेमा भी, ठीक है, मैंने फेरा और फेमा डिस्कस किया था। Why not include public distribution system in green box system? Public distribution system जो है उनका ये कहना है कि वो trade distorting subsidies हैं, या कह लीजिए ठीक है आप developing country हैं, support करना चाहते हैं, okay। Green box वाले में रखा गया है specifically जो environment को ध्यान में रखते हुए subsidies दी गई हैं, ठीक है, clear हो गया बिस्वा point ये वाला। चलो आगे चलते हैं, next है आपका security। सो एंड आगे चलते हैं, सॉरी, ये आपका क्रिप्टो करेंसी क्राइम्स को लेकर था, थिंक टैंक बनाया गया है MHA में, उन्होंने एक SOP जारी की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेकर, और किस तरीके से जो इलीगल ट्रांजेक्शन हैं, अगर आपको याद हो इस साल बजट में 30% टैक्स का प्रावधान भी रखा गया क्रिप्टोस पर, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक चीज ये है कि कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। अब आप पूछेंगे सर अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, देखो आप जब एक 100 रुपए का नोट जिसमें लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, तो वादा किसका है, ठीक है, वो तो मैं भी आपको लिख के दे दूं मैं वादा करता हूं, पर उसकी वैलिडिटी किसकी है, पीछे सरकार की बैकिंग है, RBI कह रहा है, ठीक है, सरकार कह रही है कि हाँ पे करेंगे, इसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, कुछ नहीं है। दूसरा चीज फेसलेस है, कहां से सोर्स है कुछ नहीं पता, इसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जा रहा है, इससे इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये 2012 में पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडिया में आया, उसके बाद RBI ने एक कॉशनरी भी इशू की, बट शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर ये बढ़ने लगा, फिर एक कमेटी बनाई गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट RBI बैन ऑन क्रिप्टो करेंसीज अभी हो रहा है, अब सरकार ने सोचा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा ही दिया है तो अब ये कर लेते हैं कि इस पर टैक्स लगा देते हैं और इसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ऐड होना चाहिए वाई प्रोहिबिटेड, तो वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं है, वो हम अपनी तरफ से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो 10% तक अलाउ किया गया है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप ये सोचो कि हम 10% कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज 5%, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% रखा गया है, तो अब अगर वो ज्यादा करने लगे, वो कहने लगे जी हमारे भी यहां पर गरीब हैं, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे और पूरा करेंगे, तो वो तो इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं कि आप अपना सामान बेच ही नहीं पाएंगे वहां पर, अगर वो 5% से ज्यादा सब्सिडी देंगे तो आपको भी नुकसान होगा, आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपका आम है, आम वहां पर जाकर बिक रहा है, मैं
एक ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पर वहां की सरकार 50% सब्सिडी दे रही है, तो इतनी सब्सिडी दे रही है कि आपका आम तो वहां जाकर किसी भी तरीके से वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा वहां के लोकल आम से। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट मानसी बिश्वा। चलिए, तो यहां पर क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है कि इट इज बीइंग यूज्ड एज अ साइबर क्राइम, साइबर मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर एक्सटॉर्शन, फिशिंग, हैकिंग, साइबर फ्रॉड, अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। ठीक है, तो यहां पर ये प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं। फाटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में बनी थी। मकसद क्या है? देखो, टेररिस्ट की एक्टिविटी को रोकना है, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है। अल्टीमेटली इतने इतने अच्छे इक्विपमेंट, इतने अच्छे हथियार इनको कहां से मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको फंडिंग भी रोकनी है। सो दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर मैं सिंपल भाषा में एक लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, हवाला का पैसा, ये हवाला का पैसा क्या होता है? हवाला का पैसा होता है, आपने फोन किया कि जी वहां उस फलाना बंदा आएगा, वो आपको 10 रुपए का नोट देगा, आप उसको 10 लाख रुपए दे देना। वो 10 का नोट दिखाता है, वो 10 लाख उसको दे देता है, वो उसका कमीशन होता है, वो यहां से, मतलब ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। इसीलिए सरकार क्या कहती है, कैश कम यूज करो, कैश कम यूज करो। क्यों कम यूज करो? कैशलेस ट्रांजेक्शन या लेस कैश, ताकि ये ब्लैक मनी जनरेट ना हो, सरकार को टैक्स मिले, सारी ट्रांजेक्शंस व्हाइट हो। ठीक है, चलिए, तो फाटफ जो है में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। अब इस पर ना बहुत ज्यादा शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस सबसे बड़ा देश है या कह लीजिए सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब 9/11 हुआ ना, जब जब यूएस थोड़ा हिला कि यार ये क्या हो गया, मतलब हम पर अटैक कैसे हो गया, तब इन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेकर काफी ज्यादा ये सीरियस हो गए। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा इस पर काम करना शुरू किया। तो अब इसमें क्या है कि कई सारी कंट्रीज को अलग अलग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, इसमें ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं इसी सेशन में, करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आप, तो इसमें आपका ईरान, लेस टैक्स इवेजन। एक टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी मैंने आपको पहले बताया है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ओके, चलो आगे चले। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जो नागालैंड का मॉन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कई सिविलियंस की डेथ हुई, उसको लेकर काफी ज्यादा विरोध हुआ। और रिसेंटली सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ एरिया से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दिया। 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है अंडर सेक्शन 3, जिसमें कि डिस्टर्ब्ड एरियाज में फायर कर सकते हैं। पार्ट ऑफ में 37 मेंबर स्टेट्स हैं ना एनीवन? हाँ जी बिल्कुल, देर इज नो सच लिस्ट बट इट इज यूज जनरली। कहाँ पर लिस्ट नहीं है शिवम, किसको लेकर? सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा एम्पावर्स आर्म फोर्सेज विद प्रोविजन लाइक लीगल इम्यूनिटी। उनके एक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, दे कैन अरेस्ट एनी वन विदाउट वारंट, स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल। ठीक है, ये उनको पावर दी गई है। मेरे में एड में आ रहा है आप दुबले पतले। अच्छा ठीक है जी, प्रेजेंटली आफ्सपा इज ऑपरेशनल इन असम, जम्मू कश्मीर। अच्छा, एड्स में भी ना आजकल वो हो गया है, मतलब दे, आई डोंट नो वेदर दे डू दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पार्ट ऑफ थर्ड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट वी हैव टू, आई हैव टू चेक के थर्ड लार्जेस्ट है या फोर्थ लार्जेस्ट है। बट हाँ, अल्टीमेटली इसका मकसद क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंसिंग है उसको रोकना है। अच्छा, अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन ये भी सवाल उठता है, हो सकता है किसी के दिमाग में। वैसे हमने इसको डिस्कस किया है बट दोबारा बता देता हूं। होता क्या है कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, या बहुत सारी कंडीशंस के बाद पैसा मिलेगा। पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है, मतलब हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए।
अभी भी ग्रे लिस्ट में है, अभी अक्टूबर में होगी उसकी मीटिंग दोबारा से। क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज चाहिए, नहीं तो उनका हाल बिल्कुल मतलब ऐसा है कि नेक्स्ट श्रीलंका वाला हाल हो रखा है। तो वो चाहते हैं कि हमें आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिले, हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए और हम जहां जहां से पैसा लोन पे ले सकते हैं ले लें। क्या हो गया? ओके हाँ जी, तो ये आपका जो कह सकते हैं कि कहां कहां पर हटाया गया है। सो आफ्सपाइन फोर्स तो असम के काफी एरिया से हटा दिया गया है, देर आर सर्टन एरियाज जहां पर आपको मिलता है आफ्सपा, और पार्शली विड्रॉ कहां पर किया गया है नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट से। सो इट वॉज जो अप्रैल की न्यूज हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। ब्लैक लिस्ट होने में तो फिर ब्लैक लिस्ट ही है, आपको पैसा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान, आप देखो ईरान की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है। तभी तो ईरान बस ऐसे है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया के सहारे चल रहा है काम उसका। अब चाइना ने आके कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो अब वो यूएस को भी कुछ नहीं समझ रहा। और फिर रशिया आके, प्यूतिन भाई साहब आ गए, तब तो उनके कॉन्फिडेंस और अलग लेवल पे पहुंच गया कि अब तो हम जो है अब उन्हीं भगवान है, ठीक है टाइप। यस, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, इट एम्स टू ट्रेन सीनियर मैनेजमेंट, कह लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, टेक्निकल पर्सनल ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिकल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, साइबर थ्रेट्स को लेकर, साइबर इंसिडेंट्स को लेकर। मकसद क्या है कि अगेन रिसेंटली जो साइबर क्राइम्स में, अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो, I4C, ये क्या था I4C, कोई बता सकता है? कंप्लीटली रिमूव कहां से हो गया आफ्सपा? कंप्लीटली रिमूव हो गया है आपका त्रिपुरा से, ठीक है जी। आई वॉज देयर इन त्रिपुरा जब वो कंप्लीटली रिमूव हुआ था, और लिफ्टेड फुली फ्रॉम 25 डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शली फ्रॉम द दिस डिस्ट्रिक्ट्स। आसाम में, नागालैंड में पार्शली विड्रॉ हुआ है, मणिपुर में पार्शली विड्रॉ हुआ है, ठीक है जी। लिमाइते एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में, सेशल्स ये रहा आपका, इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। सेशल्स आइलैंड, कह लीजिए आइलैंड नेशन है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है इन्होंने, इनकी इकोनॉमी लगभग 6-7 गुना बढ़ी है पिछले 50 सालों में। और मॉरिशियस है, ये दो नेशन हाई इनकम कंट्रीज में आते हैं, इनके साथ हमारी एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सेशल्स के बीच में। लिमाइते, ठीक है, लिमाइते इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट अराइव्ड इन सेशल्स फॉर द 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, वरुण जो है दैट इज बाइलेटरल लेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक। इंडिया IC4 था, अच्छा, इंडियन साइबर क्राइम I4C, यस, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वेरी गुड दामिनी माधवी, वेरी गुड। तो ये किसके किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन। अरे चतुर्लिंगम वापस आ गया, ठीक है जी। बाइनियल होता है शायद, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो। चलिए INS इंडियन नेवल शिप वगशीर एंड 6th एंड लार्जेस्ट सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 हैव बीन लॉन्च्ड। और वगशीर एक डीजल अटैक सबमरीन है, डिजाइन टू परफॉर्म सी डिनाइल एज वेल एक्सेस डिनाइल वॉरफेयर, ठीक है। P-75 वन ऑफ द टू लाइन्स ऑफ सबमरीन अंडर P-75, कलवरी, खांदेरी, करांच, वेला, वगशीर और वगीर, ठीक है। तो ये जो है आपका 3K और 3V है ना, ये याद रख लेना, ये आपका हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। होम अफेयर्स है, हाँ जी होम अफेयर्स है। क्वेश्चन क्या था रिपीट के लिए? क्वेश्चन ये था कि जो I4C है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? माइती के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो
सो P-575 के तहत 6 सबमरीन्स हैं, तो ये देख लीजिए आपका, ये सबमरीन आपकी INS वक्शीर, लास्ट सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75, डीजल अटैक सबमरीन है ये देखो की पॉइंट है, ये डीजल अटैक सबमरीन है, ठीक है। बाकी दो सबमरीन वाला काम करेगा ही, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा 2 लाइन्स ऑफ सबमरीन, और ये आपको प्रोजेक्ट 75 ये पता होना चाहिए, P-75 के तहत है, और ये वाले हैं पार्ट, और ये आपका कंस्ट्रक्टेड बाय मजगांव डॉक लिमिटेड, तो दो तीन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। पिनाका मिसाइल सिस्टम, पिनाका MK1, ये पूछा गया था आपका लास्ट ईयर किस एग्जाम में पूछा गया था। सो इनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम एंड पिनाका एरियल डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम हैव बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO इंडियन आर्मी एट पोखरण। सो इट गिव्स अ रेंज ऑफ अराउंड 70 किलोमीटर ओवर द 45 किलोमीटर एग्जिस्टिंग, सॉरी ये देखो, ठीक है, ये रहा आपका पिनाका, ठीक है जी, ये रहा आपका पिनाका। हेलिना इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बहुत सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, माउंटेड ऑन द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ये देखो, ये बेसिकली क्या है, जैसे आप अगर आप देखोगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, 8 मिसाइल्स हैं, ये फायर एंड फॉरगेट वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, तो ये एक टारगेट की आपकी IR इमेज है, सो इट इज अ गाइडेड कमांड, सो यहाँ पर हेलिना ये टारगेट करेगी। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यस CDS में था, है ना क्वेश्चन ये, कामना, यस ठीक है, हाँ किसी एग्जाम में था बट इट वॉज देयर, हेलिना, सॉरी ये पिनाका वाला, तो हेलिना हो गया आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से फायर एंड फॉरगेट, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी, इट कैन डिफीट बैटल टैंक्स विद कन्वेक्शनल आर्मर एंड एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर। LCH ऑल्सो, मैं समझा नहीं LCH क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा लाइट कॉम्बैट, ओके ओके ओके, ये जो है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में है, ठीक है ओके। बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, सो इंडियन नेवी हैज कमीशन इट्स P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, सो इट इज अ वेरिएंट ऑफ मल्टीमिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेकी करेगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, ठीक है, सो ये आपका इंडियन ओशन में पे काम करेगा। ओके, इसके अंदर किसका था, चलो ये बताओ, सुरभि का पॉइंट है, अच्छा ओके, तो ये इसमें जो मैंने अभी पढ़ा है ये दिस इज ALH ओनली, ठीक है, लेट मी चेक, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि ये LCH से भी है या नहीं, ये अप्रैल की न्यूज चल रही है या मई का, ये अप्रैल का है, आशा ठीक है, इसके अंदर ओके ठीक है जी, रशिया, यस। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया, बेसिकली ये छोटा कह लीजिए मेड इन इंडिया है, सो इट वाज डिलीवर्ड टू अलायंस एयर, सो अलायंस एयर विल बी इंडिया फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन टू फ्लाई एन इंडियन मेड एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशन, तो ये छोटा है, मतलब कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को सर्व कर सकता है, सो इट विल लिंक 5 रिमोट टाउन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू असम डिब्रूगढ़, बूस्टिंग एयर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, सो डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट फ्लाइट। हाँ जिरकॉन भी है, जिरकॉन तो हमने अभी कल परसों ही पढ़ा है, बिल्कुल बिस्वा, चलो आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बात की, गवर्नमेंट ने कहा कि वो रिसेंटली प्रपोज कर रहे हैं टू शिफ्ट फ्रॉम द वॉलेंट्री कार्बन मार्केट एंड ग्रेजुअली शिफ्ट टू कैप एंड ट्रेड, जहां पर इंडस्ट्रीज आर गिवन एमिशन टारगेट्स लाइक इन द EU एमिशन टारगेट सिस्टम, ये डायग्राम बड़ा अच्छे से इसको वो कर रही है, समझा रही है, जो कार्बन ट्रेडिंग है बेसिकली, ये देखो ये इससे कुछ समझ आ रहा है इस डायग्राम से, इसके अंदर में मिसाइल रशिया का था, रशिया ने उसको बेलारूस में के दिया था, मिसाइल सिस्टम, यस
हाँ जी, ये समझ आया डायग्राम, ये क्या हो रहा है, ये इसको एक तरह से पैसे दे रहा है और ये इसको कार्बन क्रेडिट दे रहा है कि हाँ भाई तू एमिट कर ले और ये इसमें जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से इसको समझा रहा है। सो मकसद क्या है ये कार्बन ट्रेडिंग कैप एंड ट्रेड का? तो इट वॉज इन क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज लॉन्च्ड। थोड़ा फोकस करें अभी, आगे चलें। क्योटो प्रोटोकॉल क्रिएटेड थ्री सच मार्केट मैकेनिज्म्स: एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। सो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो एमीटर बी है, ये जो एमिशन इसको अलाउ किए गए हैं इससे ये कम कर रहा है और ये ज्यादा कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये सेल कर दे रहा है कार्बन मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स को, और ये परचेज कर ले रहा है। तो इसको क्या हुआ, इसको पैसा मिल गया और इसको ये जो टारगेट था ये अचीव हो गया, ठीक है। तो इसको भी सरकार जो है प्रमोट करना चाह रही है। नेक्स्ट है आपका पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें कि सोलर पंप्स की बात की गई थी, ठीक है, ताकि 35 लाख से ज्यादा फार्मर्स जो यूज करते हैं डीजल को अपने खेतों में, जो पंप्स हैं यूज किए जाते हैं डीजल से रन पंप्स हैं, उनको सोलर रन बना दिया जाए किस तरीके से। तो वही पीएम कुसुम स्कीम के तहत है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है। सो टारगेट सोलर कैपेसिटी एडिशन ऑफ दिस मच, द स्कीम कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स: हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी, डी डीजलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर, एंड सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, या बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सब? ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है, क्या बात है। चलिए, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। सो फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। और ये जो है बेसिकली एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजप्शन को है, एंड ड्राइव द एजेंडा ऑफ अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट, क्लीन एनर्जी। तो एक इंडेक्स बनाने की बात की गई है, मेड बाय टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन क्लाइमेट एनर्जी सेक्टर। तो स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन बढ़ेगा बेसिकली, जो नीति आयोग अलग अलग इंडेसेस लाता है, ठीक है। कौन सा, ये वाला जो स्कीम है विद ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंशन ऑफ अनाउंस्ड, लेट मी चेक, ठीक है, दिस हैज टू बी चेक्ड, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि वेदर इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और नॉट। वैसे ये मेरे ख्याल से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ लाइक द स्कीम्स लाइक दिस। ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप स्कोरर चंडीगढ़ है, लोअर स्कोरर लक्षद्वीप है, और लार्जर स्टेट्स में गुजरात है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा है, इस तरह। जस्ट वन क्वेश्चन गुरु जी, एडिंग जीएसटी टैक्स ऑन सोलर प्रोजेक्ट इज वैल्यूएबल? देखो, दो चीजें हैं, पॉइंट आपका वाजिब है कि क्या इससे सही रहेगा, बट फ्यूचर में जैसे जैसे आपका अल्टीमेटली गवर्नमेंट रन कैसे करेगी, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, फिर नहीं तो आप अगर सारी चीजों पर टैक्स खत्म कर दोगे फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट वो वाली सिचुएशन हो जाएगी जैसे हम श्रीलंका में देख रहे हैं, ठीक है। उसमें भी हम एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं कि टैक्सेस उन्होंने बहुत कम कर दिए, कि हम देखो जी हम तो बहुत लोक लुभावन है। तो आप एनर्जी सेक्टर को देखोगे तो आप ये करना चाह रहे हो। हाँ, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को जो कोल सेक्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा टैक्स होना चाहिए और इस पर रिबेट्स होनी चाहिए ताकि ये बैलेंस हो, ठीक है। उसमें जो हम कहते हैं कार्बन टैक्स भी इसमें इंक्लूड हो कोल सेक्टर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपका सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, वो प्रमोट हो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ ग्रीन परमिट्स। सो इसमें ग्रीन परमिट्स में बेसिकली रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स है, जो आप जो बिस्वा वाला पॉइंट है अभी, जस्ट जो बिस्वा अभी पूछ रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें भी क्या है, एक्सटेंड किया है ग्रीन परमिट्स को। ग्रीन परमिट्स को मतलब आप इसमें काम कर सकते हैं, फॉर दोज इन्वॉल्विंग द प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। टैक्स इंक्रीजेस ऑन साइंटिफिक इक्विपमेंट। देखो, अब एक एक पॉइंट को आप शिवम, अब आप पूछेंगे कि दही पे लगाया तो वो सही है या नहीं, ऑब्वियसली
कई चीजों को आप हम जस्टिफाई करते हैं जब हम भी ये कहते हैं कि एसेंशियल फूड आइटम्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब कंज्यूम कर रहे हैं टेक्निकली। मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी अमीर व्यक्ति ही कर रहा है, उसको गरीब से गरीब व्यक्ति भी यूज करता है। बट अगेन सरकार का ये कहना है कि हाउ टू अर्न द रेवेन्यू नाउ, ठीक है, आपको क्रॉस सब्सिडाइज भी करना है। अब एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि जी जो हमने वो देखा जो आपकी राशन है, जो 5 किलो राशन हर पर व्यक्ति एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सितंबर तक, जो कोविड में शुरू हुआ था, तो वो भी आप कहीं ना कहीं उस तरीके से भी सब्सिडाइज कर ही रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली देखो जो कल भी आज कल के न्यूज़पेपर में भी थी, अगर आपको याद हो आज के मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में भी उसको कवर किया हुआ है कि सब्सिडीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के जो एडवोकेट थे उनसे पूछा कि क्यों फ्रीबीज पर कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक PIL दाखिल की गई कि जो फ्रीबीज हैं इससे स्टेट की इकोनॉमी खराब हो रही है, तो फ्रीबीज बंद की जाए, तो इसको लेकर कोई पॉलिसी बनाएगी सरकार, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बनता है पेपर 2 के लिए या वैसे भी इन जनरल भी, तो उसको लेकर अभी तक कोई लॉ नहीं है, क्योंकि उसमें जो PIL दाखिल की गई उसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसी पार्टी को डीरजिस्टर कर दे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कंडीशन लिखी हुई है कि डीरजिस्टर कब होगा, ठीक है, उसके 2-3 कंडीशन है, उसमें कोई फ्रीबीज वाला वो नहीं है कि आप सरकार में आए नहीं पहले से ही फ्रीबीज बांटना शुरू कर दिया, हम ये देंगे वो फ्री में दे देंगे वो दे देंगे, तो अल्टीमेटली आपको इकोनॉमी को भी चलाना है, ठीक है। सो अगेन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये भी फ्री मिलेगा सब मिलेगा। जिनेवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग्स, अगेन ये भी समझना पड़ेगा कि एवरी थिंग हैज सर्टन कॉस्ट, ठीक है, वो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ज्यादा लॉसेस में है, सबको लग रहा है कि हमारी नौकरी सही है, सरकार ये कंपनी फायदे में है नुकसान में है डजेंट मैटर, तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का भी कंसेप्ट आया, ठीक है। यस आशा, कल सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा है, ठीक। चलो जिनीवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस जिनीवा बायोडाइवर्सिटी मीटिंग रिसेंटली कंक्लूडेड कि ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप की बात की गई, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की गई, और ये बात की गई कि जो मीटिंग्स है वर हेल्ड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या होगा बिफोर द 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CBD कॉन्वेंशन ऑफ। देखो एक अलग अलग है, एक आपकी COP होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की, जो हम COP 26 देखा हमने लास्ट ईयर, अब COP 27 होने जा रही है, COP 27 कहाँ हो रही है ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक होता है CBD की कॉप अलग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर बात होती है या बायोडाइवर्सिटी पर बात होती है, ठीक है। ओके मदर नेचर, ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो पीछे गंगा और यमुना को उत्तराखंड की सरकार ने लिविंग एंटिटी या लीगल स्टेटस दिया था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया था, इसी तरीके से मदर नेचर को लीगल एंटिटी कहा गया है जो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इस ये देखो CDS में इस बार आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था है ना, ऑडी अल्टरम पार्टम, सो पेरेंट्स पेट्रिए लैटिन मीन्स में क्या है, पेरेंट्स टू द नेशन, सो इट अलाउज द गार्जियनशिप ऑफ द स्टेट्स ऑफ द राइट्स ऑफ एंटिटीज दैट आर अनेबल टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, तो जो मदर नेचर है वो अपने लिए नहीं लड़ सकती कह लीजिए, तो सरकार उसके बिहाफ पे लड़े, ठीक है। तो इजिप्ट, क्या कह रहे हैं ऊपर, टैक्स एग्जम्पशन फॉर सर्टन थिंग्स गुड प्रमोशन थ्रू वेरियस स्कीम रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग, यस द कोर्ट ओवर रूल्ड मदर द रूल दैट मदर नेचर विल हैव द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज एंजॉयड बाय अ लिविंग पर्सन, और ये भी कहा गया कि नेचुरल इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। प्राकृति एक मैस्केट जो है लॉन्च किया गया, तो ये देखिए ये रहा पीछे, ये प्राकृति आप देख सकते हैं सॉरी
सो टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट स्मॉल चेंजेस दैट कैन बी सस्टेनेबली अडॉप्टेड बाय द बेटर एनवायरमेंट डिस्ट्रिक्ट गंगा कमिटीज सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डीजीसीज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कमेटी ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको मॉनिटर किया जा सके. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का और किस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन लाई जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए वहां पर. यह हो गया आपका प्राकृति मैस्किट. ऑलिव रिडली टर्टल, तमिलनाडु विल सेट अप द इंटरनेशनल ऑलिव रिडली सी ऑलिव रिडली टर्टल प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर इन चेन्नई. सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली किस राज्य सरकार ने ये अलाउ किया है या करने जा रहे हैं. ठीक है, तो एक गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में, वहां पर भी आपको ऑलिव रिडली सी टर्टल्स मिलते हैं. इसका IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है. सीवीड पार्क विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस इन तमिलनाडु, अगेन ठीक है सीवीड पार्क, ये देखो ये होता है सीवीड. ठीक है, तो सीवीड के फर्दर कई सारे जो कह लीजिए यूजेज हो सकते हैं. सो इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर PM मत्स्य संपदा योजना. ये मत्स्य वर्ड भी मैंने आपको बताया था कहां से आया है. ये इंडिया में लॉन्च हुआ है तो ड्रेसिंग स्टाइल इंडियन होना चाहिए था. चेंज हो रहा है, भारत बदल रहा है. ठीक है, चलिए. सीवीड द प्रिमिटिव मेरीन नॉन फ्लावरिंग मेरीन एल्गी विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स प्लेज मेजर रोल इन मेरीन इकोसिस्टम और स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है. इसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, थायमीन, विटामिन ABC. ठीक है, सो ये हो गया आपका सीवीड. हाँ, मछली तो है, संस्कृत वर्ड है, बट कहां से आया ये मत्स्य. ठीक है, जो अवतार कहे जाते हैं. हाँ जी, विष्णु जी के अवतार हैं. यस यस, ठीक है, विष्णु जी का मत्स्य अवतार के बारे में कहा जाता है. EEZ में फ्लोरा एंड फौना के लिए ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है. वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग चीज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग चीज है. दोनों अलग अलग चीजें हैं. मत्स्य पुराण, यस ठीक है, मत्स्य पुराण भी है. ग्लोबल लैंड आउटलुक, लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस. ठीक है जी, रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए. डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि डेजर्ट बढ़ रहे हैं. डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जब जो है आपका कह सकते हैं कि लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सो दैट इज डेजर्टिफिकेशन. हाँ जी, मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो इसमें मेजर्स क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इम्प्रूव्ड ग्रेजिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें की जाएं ताकि लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सके. ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न. डिफॉरेस्टेशन बढ़ना और लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होना. ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होना, लैंड डिग्रेडेशन होना. यस, नाइट्रोजन लेवल्स ऑन अ डिक्लाइन. इम्बैलेंस इन नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड अक्रॉस द ग्लोब विद सम प्लेसेस हैविंग एन एक्सेस और अदर्स अ शॉर्टेज. नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी में. जो प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स की हम बात करते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA. और एक्सेसिव नाइट्रोजन एक्यूमुलेट इन द स्ट्रीम्स, इसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन हो रहा है. यूट्रॉफिकेशन के बारे में भी मैंने काफी डिटेल में बताया है. यूट्रॉफिकेशन से क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट यहां चले जाते हैं, इससे एल्गल ब्लूम होता है. एल्गल ब्लूम क्या होता है, एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है. ये जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन में उसको कंज्यूम कर लेता है. जो ऑक्सीजन बाकी फिश के लिए या एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, मरीन एनिमल्स के लिए चाहिए होता है, वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो मरने लगते हैं. सो दैट इज यूट्रॉफिकेशन. ठीक है, तो ये चीजें इसमें कह रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए भी और बाकियों के लिए भी इससे दिक्कत हो रही है. सो विदाउट नाइट्रोजन प्लांट्स ग्रो स्लोली एंड प्रोड्यूस स्मॉलर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और इससे आप कह सकते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो रहा है, डेड जोन, फिश किल्स, मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, जियोस्फीयर. ये इसको नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं. हाँ जी, लेग्यूम्स वाली क्रॉप्स तो हमेशा से ही सरकार या कह लीजिए साइंटिस्ट जो हैं हमेशा से इसको प्रमोट करते हैं.
ठीक है जी, नाइट्रोजन लेवल्स ऑन अ डिक्लाइन। वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड कार्बन रेवेन्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग रिपोर्ट। सो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बाय वैल्यू एंड 80% बाय वॉल्यूम, और ये रिस्पॉन्सिबल है 2.5% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ये भी जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दे आर कंसिडरिंग मेजर्स किस तरीके से टारगेट्स को अचीव किया जाए ताकि 50% जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का वो कम किया जाए बाय 2050 फ्रॉम द 2008 लेवल्स। तो 2050 तक 2008 के लेवल में अगर 100 एमिशन थे तो वो 50 ही रह जाए बाय 2050। तो इसका तरीका क्या है, कार्बन प्राइसिंग इधर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन लेवी और कैपिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू बाय एंड ट्रेड एमिशन अलाउंसेस। ट्रिम स्टेज फोर एमिशन नॉर्म्स, अगेन एक अपने भारत स्टेज नॉर्म्स पड़े होंगे, भारत स्टेज फोर नॉर्म्स, भारत स्टेज सिक्स नॉर्म्स, वैसे ही ट्रिम। ट्रिम क्या होता है, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स में जो है एमिशन नॉर्म्स को बढ़ावा देना। सो विल बी एप्लीकेबल टू ट्रैक्टर्स विद इंजन बिगर देन 50 हॉर्स पावर वाइल बिग प्रोडक्शन ओवरऑल इंडस्ट्री विल कॉन्टिन्यू टू बी गवर्न बाई ट्रिम थ्री नॉर्म्स। तो ये बेसिकली ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स के लिए है, ठीक है, स्टेज फोर नॉर्म्स। क्लियर। बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स बहुत अच्छी होंगी, होती हैं, उससे आप एल्गल ब्लूम को टारगेट कर सकते हैं। बट पहली बात आती है कि एल्गल ब्लूम होना ही नहीं चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं आदि। नेक्स्ट है, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली इन जम्मू बिकम्स इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। और इसके अलावा स्टील स्लैग रोड सूरत में बनाई गई, फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील। तो ये रहा आपका स्टील स्लैग रोड। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, तो इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट अलायंसेस। मकसद क्या है, रिप्लेसिंग 10% ऑफ द फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल्स केमिकल मटेरियल बायो बेस्ड अल्टरनेटिव से, और बायो रिफाइनरीज को बढ़ावा देना ताकि फ्यूचर में जाकर हम ऑलरेडी बायो फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम 10% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, 20% का हम टारगेट रख चुके हैं। क्यों, क्योंकि कच्चे तेल की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं है और धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सारी की सारी जुगत किसके लिए है, पैसा इंडिया में रहे, बचाया जाए और ग्रीन एमिशंस, सॉरी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया जाए। क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल होस्टिंग द क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग, जिसमें कि अगेन ये सारी चीजें जिसमें हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, आप वाटर को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यूजिंग द ग्रीन एनर्जी, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम सोलर विंड, ठीक है, और उस हाइड्रोजन को आप स्टोर कर रहे हैं और इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हैज कमीशन इंडिया फर्स्ट 99.99% प्योर हाइड्रोजन प्लांट इन असम। ये आपका फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बर्नार्डली बस्टीन कॉमेट, नासा हैज कंफर्म दिस कॉमेट द लार्जेस्ट आईसी कॉमेट न्यूक्लियस एवर सीन बाय द एस्ट्रोनॉमर्स। और ये आपका इसका ये नाम दिया गया C2 2014 UN271 एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ दिस किलोमीटर्स। सो दिस इज दिस हाइड्रोजन कंटेन मैक्सिमम कैलोरिफिक वैल्यू ऑल्सो, यस यस, ठीक है, बहुत ग्लिच हो रहा है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हाँ जी, बारिश हो रही है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है, ठीक है जी, दिल्ली में भी हो रही है। ओके, जोरहट, यस, अच्छा, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आर वर्ल्ड एट रिस्क, अगेन किस तरीके से रेजिलियंट फ्यूचर। अभी आपने अगर याद हो 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा भी था कि ईयू की जो
फाइनेंशियल आर्म है EIU, वो इंडिया में फंडिंग करने जा रही है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। सो स्टडी ने फाइंड आउट किया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है ज्योग्राफी में, है ना, ज्योग्राफी में कहीं पड़ा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग अटलांटिक ओशन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। बीच में मिड ओशियनिक रिज है, वॉल्केनोज है। सर आप क्या पढ़ाते हो? मोनिका, मैं ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ आजकल, जो है आगे पता नहीं, और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। मोनिका, तीन चीजें पढ़ा रहा हूँ अभी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यस, ठीक है जी। सो आई यूज टू टेक थ्री क्लासेस, थ्री सब्जेक्ट क्लासेस। हेनरी हेस, यस, बाय हेनरी हेस, यस, गुड। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो स्पीड है वो भी कम हो गई है, ये ऐसा कहा गया। सो नॉट ऑल रिजेस आर मूव अलाइक, ठीक है, इट्स अ जियोलॉजिकल प्रोसेस। आज मैं लेके आया हूं दो छोटे छोटे से टॉपिक मैथ्स के, आएंगे उस पे। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, सो स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर अंडर नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड टू जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉचेस, ठीक है। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं अभी तो, ठीक है। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है। सो दिस इज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉचेस, कोरोनल मास इजेक्शन कोलाइड विद द अर्थ, इट कॉजेस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। एक आपको याद है हमने टर्म पढ़ी है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, मैंने आपको बताया था सन बर्ब करता है, डकार लेता है, ज्यादा एनर्जी एमिट करता है, वो स्पेस में जाती है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास ही देखने को मिलती हैं ये नदरन और सदरन लाइट्स, अरोरा बोरियोलिस नदरन हेमिस्फीयर में, अरोरा बोरियोलिस सदरन हेमिस्फीयर में। तो कोरोनल मास इजेक्शन, मैंने आपको एक बार जब सन के बारे में पढ़ाया था तो तीन लेयर्स हैं सन की, तो मैंने आपको बोला था कि बगल पड़ोस वाली आंटी जब पूछेंगी कि बेटा तुम तो पढ़ाई वढ़ाई करते हो, बताओ कोरोना कब जा रहा है, तो आपने भी डायलॉग मार देना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा कोरोना तेरा नाम रहेगा। तो आंटी भी बोलेंगी आगे से, कितना कितने पेसिमिस्टिक बच्चे हैं आजकल के, मतलब बताओ। तो आपने बताना कि कोरोना जो है क्या है, आउटर लेयर है सन की, तो कोरोनल मास इजेक्शन वहां से जब ज्यादा वो आता है, ठीक है। सोलर स्टॉर्म्स मीट्स विद द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑरोरास फॉर्म्ड होते हैं, वेरी गुड मनीष, ठीक है जी। चलिए अच्छा, ऐसा लग रहा है मैं ही स्पेस पे हूं, क्या बात है, चलिए शाबाश, मैं भी अपने आप को स्पेस में देख लेता हूं, ठीक है। चलो सोशल इश्यूज पे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत सारे न्यूज हैं आज, सेशन काफी बड़ा हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव के चक्कर में ना ज्यादा न्यूज हो जाती है। थैंक यू मोनिका, ये एक बाकी लोगों के लिए भी लेसन है, मैं बाकी लोगों को यही बोल रहा हूँ कि सही बच्चों तक तो मैं अभी तक पहुंच भी नहीं पाया हूँ बहुत बच्चों तक, सो लेट मी रीच टू ऑल ऑफ देम। ओके, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट हैज पैनल रिकमेंडेड यूनिवर्सल पेंशन स्कीम फॉर गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो एक टास्क लेते हैं, एक महीना, दो महीने, 15 दिन, हफ्ता काम करते हैं, ठीक है, टास्क बेस्ड काम लेते हैं, सो उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स आप समझ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, साइटिंग कंसर्न्स ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा क्या है, जो आप कहते हैं जी मेरे को पेंशन मिलेगी, अमाउंट मिलेगी, तो उसी तरीके से सरकार बाकी लोगों को भी देना चाह रही है, ओल्ड एज में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिकनेस, वर्क इंजरी, अभी रिसेंटली आपका लेबर कोड भी आया है, ठीक है। कोरोना क्रोमोसियर और फोटोस्फीयर भी था, माधवी फोटोस्फीयर भी था, फ्रीलांसर, यस फ्रीलांसर कह लीजिए, ठेकेदारी, शाबाश, दिल खुश कर दिया आपने, सार्थक, मतलब जो है
6 में मेरे को एक जोक याद आ गया। वो कहते एक बार जैसे एक लड़के से पूछा, पड़ोस की आंटी नहीं पूछती रहती हैं कि बेटा क्या करते हो, तो उसने कहा कि आंटी मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना। अच्छा वही कॉल सेंटर में जो फोन करते रहते हैं जबरदस्ती, तो वो वाली बात आपने कर दी बेटा आज। तो फ्रीलैंसर सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इज्जत दो गिग वर्कर्स को, ठीक है, ऐसे मत कहो। सोशल सिक्योरिटी इज अ ह्यूमन राइट विच रिस्पॉन्ड्स टू द नीड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन लाइफ रिस्क एंड सोशल नीड्स और प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड आप बिल्कुल पड़ोस वाली आंटी की फीलिंग दे रहे हो, ठीक है। सेंट्रली फंडेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स, सोशल असिस्टेंस थ्रू, यस यस यस, पब्लिक इनिशिएटिव्स, पड़ोस की आंटियां होती इसीलिए, ठीक है। सेंट्रली फंडेड सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, यस, चलो आगे चलते हैं। सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स का मकसद क्या है? सेंट्रली फंडेड है, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, कुल मिला के देखो अगर आप फॉरेन में जाओगे ना, यूएस में जाओगे, अगर जो जो इज्जत एक कंपनी के ओनर को मिलती है, वो इज्जत वहां जो है एक शायद वहां का जो ब्यूरोक्रेट है उसको भी नहीं मिलती। और नौकरी में भी अगर नौकरी पेशा है तो उसमें प्रोफेसर को जो इज्जत है, जो यहां इंडिया में आईएएस को इज्जत है, उसका क्यों? क्योंकि ही इज लाइक प्रोफेसर, ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, उस चीज को फोकस करते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या है? सोशल सिक्योरिटी, जो कि हर व्यक्ति को देने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कि ओल्ड एज पेंशन है। तो वो सेम चीज, वो लगभग वैसा ही मॉडल हम भी चाहते हैं इंडिया में आए, ठीक है, ताकि इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सर वो मेरा डाउट, होटल मैनेजमेंट करके जॉब करता है, डाउट मेरे दोस्त, उसकी मम्मी कहती है कि होटल में काम करता है, सेंस ऐसे आता है कि जैसे नहीं। पहली बात, चलो खैर अब आप थोड़ा इमोशनल हो गए, वैसे वो मैंने लाइटर नोट में कहा था, तो अगर बर्तन भी कोई धो रहा है तो वो भी काम है, पहली बात तो काम होता है, ठीक है। चलिए दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है जी। कह रहे कि सबको एसी के कमरों में काम करना है, ये भी एक कहीं ना कहीं हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी में एक ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट कर ली है, तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न। चलिए ऑनलाइन गेमिंग की बात करते हैं। आफ्टर इट्स अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 2022-23, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स। आपको पता है जो जो एजुकेशन सिस्टम, जो किंडरगार्टन सिस्टम है, जो केजी जो हम कहते हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को इवन यूएस, यूके, बहुत सारे जापान ये डिस्करेज कर चुके हैं, ठीक है। कई बार हम मतलब हमारे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ टाइम में ये हुआ है कि कहा गया कि हमारा बच्चा कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, उसको हमने किचन में हम घुसने भी नहीं देते हैं, हम उसे कोई काम नहीं कराते, उसको बोलते सिर्फ पढ़ते जा। सो इस चीज को भी बहुत डिस्करेज किया जाता है, जो आज का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम उभर कर आ रहा है, जो कहा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि सारे चीजें होनी चाहिए, वो घर में आपके सफाई भी करे, गार्डनिंग भी करे। सो किड शुड नो कि ये सारी चीजें काम का पार्ट है, ठीक है, और उसको पता हो कि इसको तैयार करने में, कि खाना खाता हूं मैं, खाना वेस्ट कर रहा हूं, तो इसको तैयार करने में कितना समय लगा है, उसमें वो पेशेंस डेवलप हो, और नेक्स्ट टाइम जब वो खाना वेस्ट करे तो उसको ध्यान में रहे कहीं ना कहीं माइंड में, तो ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। ये आप हो सकता है कि आपको पेपर टू में कोई ऐसे लिखने में भी मदद करे कि एजुकेशन का जो मकसद है, जो क्रक्स है, वो नौकरी लेना नहीं है, मतलब ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट दैट हैज मेनी एस्पेक्ट्स।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो ऑनलाइन गेमिंग की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कंस्टिट्यूटेड AVCG, एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स, सो हेडेड बाय सेक्रेटरी INB विद रिप्रेजेंटेशन दिस। अगेन अगर आपको याद हो, कर्नाटक सरकार भी लेके आई थी। कर्नाटक क्या चाह रहे हैं, हम इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हमें पता है कि आजकल सब लोग, मैं देखता रहता हूँ, खूब बढ़िया बढ़िया मीम कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। तो ऑडियो विजुअल गेमिंग, इसको बढ़ाया जाए और दुनिया भर में किस तरीके से हम इसका एक फ्यूचर में मार्केट डेवलप कर सकते हैं। टू कैप्चर 5%, 5% $40 बिलियन बाय 2025। ठीक है जी। यूनिफाइड नेशनल पॉपुलेशन फंड रिलीज्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन द निग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, इसको लेकर बात की गई। अभी हमने रिसेंटली देखा भी कि 2023 में हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट, या सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कहना चाहिए, सबसे बड़ा देश हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे ऑब्वियसली। सो लैक ऑफ की फाइंडिंग रिपोर्ट्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन, हार्मफुल नॉर्म्स, स्टिग्मा सराउंडिंग द वुमेन कंट्रोलिंग देयर ओन फर्टिलिटी बॉडीज, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग कही गई। और इसकी वजह से कह लीजिए अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज भी हो रही हैं। अनइंटेंडेड मतलब जो इंटेंड नहीं की गई है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पार्टिसिपेशन, गार्बेज फ्री सिटीज सरकार नहीं कर पाएगी, लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और डंप साइट्स हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये हमने एसेसिबल इंडिया कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको किस तरीके से, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हों, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सूटेबल हो, वो वहाँ पर जाएं, तो उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जब आप रैंप देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है रैंप क्यों बनाया है, सीढ़ियाँ क्यों नहीं बना दी, तो इसीलिए बनाया गया क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली हो वो। ठीक है जी। चलिए, ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट पोर्टल, वेब पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, कंपनीज ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन रोड एक्सीडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में दुनिया भर के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं परसेंटेज वाइज में देखें तो। यहाँ पर सवाल उठता है कि किस तरीके से जो उनके फैमिलीज हैं, विक्टिम की फैमिलीज हैं, उनको जो क्लेम मिलने हैं वो इजी हो जाए, डिजिटलाइज हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी मदद भी मिल सके। टू टाइम दो एकेडमिक डिग्रीज ले सकते हैं आप। ठीक है जी। ये बहुत, मतलब अब इसमें मिक्स्ड व्यूज हैं, ये भी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आता है कि आप दो बैचलर प्रोग्राम्स ले सकते हैं। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट, टू मास्टर प्रोग्राम्स, टू बैचलर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री भी पसंद है, तो व्हाई कांट यू डू द हिस्ट्री ऑल्सो। भाई इंजीनियरिंग के साथ हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ माय कॉलेज जूनियर जिनसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, सो ही इज अ इंजीनियर। ठीक है जी। रैंप से रेजिंग एक्सलेटिंग प्रो, यस यस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल WHO डायरेक्टर जनरल ने फाउंडेशन ले किया, दुनिया का पहला एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लेना, जामनगर गुजरात में। ठीक है, ये आयुष को प्रमोट करने के लिए। वन हेल्थ अप्रोच क्या है, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया था, एक वीडियो में भी डिस्कस किया है। वन हेल्थ क्या होता है कि हमारी हेल्थ, जानवरों की हेल्थ, इन्वायरमेंट हेल्थ, वो सारी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है जी। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च्ड वन हेल्थ प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। सो वन हेल्थ प्रोजेक्ट होता क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इट इज इंटरलिंक्ड। अभी कोविड में देखा आपने, ठीक है, अभी कल हमने लंपी स्किन डिजीज देखा, कल के एक सेशन में लंपी स्किन डिजीज, ठीक है, या मंकी पॉक्स डिजीज हम देख रहे हैं, मंकी पॉक्स डिजीज। सो ऑल दीज आर नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। ये हो गया आपका ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एनवायरमेंट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी वाई इन न्यूज। ठीक है जी। सो रिसेंटली DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया SFDR बूस्टर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। सो सॉरी,
लाइट इन वेट है, कैरी मोर फ्यूल. यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न, सो लार्ज हैड्रन कोलाइडर वॉज रीस्टार्टेड आफ्टर अ 3 ईयर शटडाउन, और ये शुरू किया गया है. सर्न क्या है, फाउंडेड इन 1954. बेसिकली फाउंडेशंस को देखना, ठीक है. सो सर्न लेबोरेटरी सिट्स अस्ट्राइड द दिस फ्रांस और स्विस बॉर्डर नियर जिनेवा, और मेन रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स, बिकॉज दिस लेबोरेटरी ऑपरेटेड इज ऑफन रेफर्ड टू एज यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स. और ऑब्जर्वर स्टेटस जापान, रशियन फेडरेशन, यूएसए को है, और एसोसिएट मेंबर्स में इंडिया भी आता है. सर पेपर टू के लिए बेस्ट आर्ग्यूमेंट के लिए टॉपिक बताना. मोनिका, मैंने वैसे सेशंस काफी इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में बता दूंगा. गगन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स यूजिंग गगन बेस्ड LPV अप्रोच प्रोसीजर. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच अ लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज. गगन क्या है, फुल फॉर्म लिखो गगन की एक बार जल्दी से, ठीक है जी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ट्रायल्स किए यूजिंग गगन बेस्ड LPV अप्रोच. सो लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस परमिट एयरक्राफ्ट गाइडेड अप्रोच. ये गगन क्या है, EOS-02 सैटेलाइट यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इन्फॉर्म्ड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, ठीक है जी. ये आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, का अवसर भी था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए. ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज की बात की गई. यूएस में उन्होंने कहा कि डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज को रोका जाए. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक जीन को चेंज किया गया दैट विल किल द फीमेल ऑफस्प्रिंग. शाबाश, अलग लेवल पे, ये भी अलग लेवल पे खेलते हैं यूएस वाले भी. इट वॉज डन टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज दैट इज अ वेक्टर फॉर वायरसेज लाइक चिकनगुनिया, डेंगू, और बेसिकली इस तरीके से उसको करेंगे फीमेल ऑफस्प्रिंग मर जाएगा. GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, वेरी गुड. हल्क मिश्रा, मनीष पांडे, वेरी गुड. एंड अमन राही, GPS एडेड जियो नेविगेशन सिस्टम, गुड. स्पेस ब्रिक्स, इसरो और IISc बेंगलुरु के कह लीजिए साइंटिस्ट ने मिलकर, रिसर्चर्स ने मिलकर जो मार्शियन सॉइल है विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया, स्पेस ब्रिक्स यूज की हैं. ये देखो, ये आप फोटो देख सकते हो, स्पेस ब्रिक्स. सो बैक्टीरिया कन्वर्ट द यूरिया इनटू क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो दिस इज हाउ दे मेड इट. W. Boson, scientist have founded that fundamental particle W. Boson refer to infographics significantly greater than theorized by standard model. और न्यू फंडामेंटल इंग्रीडियंट है अपने यूनिवर्स को लेकर. सो एक नया फंडामेंटल पार्टिकल डेवलप किया गया, ठीक है, W. Boson. नासा का परसिवरेंस रोवर कैप्चर्ड द सोलर इक्लिप्स ऑन मार्स फीचरिंग फोबोस एंड टू मून्स. एक डेमोज है, फोबोस है. ये भी एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये फोबोस और डेमोज क्या है, एक वन ऑफ द एग्जाम में, ठीक है. चलिए, सो इट इज कल्चर, धारा एंड ओ टू इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्लैगशिप है, इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. सीरीज ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंक्वायरी, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट अक्रॉस वेरियस डोमेन्स. NFDC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने चार बॉडीज रिलेटेड टू नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मर्ज करने की बात की है. तो उसमें चार बॉडीज कौन सी हैं, फिल्म डिवीजन, डायरेक्टर ऑफ फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. अटल इनोवेशन मिशन, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने की बात की गई है. 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स होंगी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स होंगे, बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सो ये है आपका सेंट्रली अप्रूव्ड कॉन्टिन्यूशन ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें कि बेसिकली किया जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस कैपेबिलिटी, प्रशासनिक कह लीजिए सुविधा को बढ़ाने के लिए या प्रशासनिक उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है. इनहैंस द कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायत फॉर इंक्लूसिव लोकल गवर्नेंस. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर PM स्वनिधि योजना, ठीक है. टिंकरिंग लैब्स आशा बेसिकली इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में, ठीक है जी. तो दिस इज PM स्वनिधि योजना. हाँ जी, बफरिंग हो रही है, इज देर एनी बफरिंग फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से बफरिंग है कोई, मेरी तरफ से आई थिंक नेटवर्क इज ओके,
लगेगा तो मेरे को बता देना, ठीक है। पीएम स्वनिधि, स्वनिधि योजना सीधा सीधा स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है, ये याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, द बुक टाइटल्ड द बुक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ 131st डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाय राजेश तलवार। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बुक लिखी गई प्रोफेसर अशोक चक्रवाल, वाइस चांसलर ऑफ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई, उनके वाइस चांसलर के द्वारा, प्रोफेसर अलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रिटन बाय राजेश तलवार, ठीक है जी। गीतांजलि श्री इज द ऑथर ऑफ टॉम्ब ऑफ सैंड, फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, काफी ज्यादा न्यूज में था। डेविन एटनबोरो को अवार्ड प्राइज दिया गया, अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। सो उसके बाद F1 चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन हैज बीन नेम्ड एज 2022 लॉरस स्पोर्ट्समैन। अभी रिसेंटली भी मैक्स वर्स्टैपन ने जो है रेसिंग टूर्नामेंट जीता था। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नाइका फाल्गुनी नायर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। काफी सालों तक इन्होंने जॉब की, ठीक है, एट द एज ऑफ 50 अपना स्टार्टअप शुरू किया, मतलब अब वुमेन एट द एज ऑफ 50, बच्चे बड़े हो चुके हैं, एंड शी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन स्टार्टअप एंड नाउ शी बिकेम द लाइक द सेल्फ कैन से सेल्फ मेड बिलियनर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो चूरू राजस्थान विष्णुपुर मणिपुर हैव कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चूरू और विष्णुपुर मणिपुर। एमिनेंट असमी स्पोर्ट जो आप देख सकते हैं नीलमणि फूकन जी, उनको देश का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया एट गुवाहाटी। सो मुंबई हैज बीन रिकग्नाइज्ड एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे फाउंडेशन। प्रधानमंत्री जी ने लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर जो है विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल अवार्ड, ठीक है जी। चूरू इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेकंड रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया, यस, बाय प्रोफेशन बैंकर थी, बिल्कुल ठीक कहा। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू रीड अबाउट हर, दैट हाउ शी टेक दैट दैट लाइक हाउ शी रेज दैट स्टार्टअप। प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, मेरे को गाना याद आ जाता है, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ, कौन सी पिक्चर का था वो, अरे चलो। नेवल कॉन्टिजेंट हैज रिसीव्ड द बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी रिपब्लिक डे परेड। विशेष वीरियम हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस जिनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया प्रेस्टिजियस मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स में। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये सारी चीजें ना क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में ट्रांसजेंडर LGBTIQ कम्युनिटी के राइट्स को लेकर हमेशा से एक विवाद रहा, बट दिस इज द पॉजिटिव थिंग यू कैन से। वीर जारा, हम भी यहीं हैं, चलिए शाबाश। कई बच्चे जा चुके हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि दो दो घंटे क्लास कौन लेता है। 64th एडिशन ऑफ ग्रेमी अवार्ड 2022 हेल्ड इन लास वेगस, ठीक है जी। फाल्गुनी शाह ग्रेमी अवार्ड जीता 2021 के अपनी एल्बम द कलरफुल वर्ल्ड के लिए। इंडियन कंपोजर रिकी केज, इन्होंने भी अपना सेकंड ग्रैमी अवार्ड जीता 64th ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में, ठीक है जी। वीर जारा, हाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ। अपारजित शर्मा जो कि वाइस चेयर पर्सन बनी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ITO इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपारजित शर्मा जी को। उसके बाद डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए चेयरपर्सन बने हैं, इनको तो जरूर देख ही लीजिए, हो सकता है कई लोगों को इनके ही इंटरव्यू बोर्ड में मौका मिल जाए। चलिए, सो केतन जी ब्राउन जैक्सन हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन इन द US सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए, विजय सांपला जी को दोबारा से चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अंडर आर्टिकल, हाँ जी, कौन सा आर्टिकल है, 338 ए 338 बी, कौन सा आर्टिकल है, तीनों में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। सर मेरे को तो 7 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़ने की आदत पड़ है, इतने लंबे लेक्चर नहीं लाता कोई, शाबाश। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, अगर आप साथ हैं तो मैं 2 घंटे और पढ़ा सकता हूँ, मेरे में एनर्जी कमी नहीं रहेगी, आप ना थक जाए, मैं नहीं थकूंगा और खड़ा हूं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, 338 है जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 ए क्या है,
SC ST OBC, यस हर्ष, 338 इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338B इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. चलो ठीक है. इकोनॉमिस्ट सुमन बेरी हैज बीन अपॉइंटेड एज नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम May 1, 2022. ठीक है जी. हम हैं, वैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको आपके पेपर से पहले पहले जितना रिवीजन करा सकता हूं. मेरे माइंड में मतलब ये आ रहा है कि मैं जो थोड़ा बहुत मैथ्स की रिवीजन करा सकता हूं वो भी करा दूं, मतलब करा दूं ताकि आपका पेपर अच्छा जाए. अल्टीमेट मोटिव इज दिस. कमलेश नीलकंठ व्यास हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी. सुमन बेरी जी जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं. सीईओ कौन बने हैं अभी? सीईओ कौन बने हैं नीति आयोग के? जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो, सीईओ कौन बने हैं. बट सर हमारा CAPF का एग्जाम है. बेटा ये सारी जुगत आपके CAPF एग्जाम के लिए ही कर रहे हैं हम. ठीक है जी. ओके हाँ जी. परमेश्वरन अय्यर, वेरी गुड सर भी, वेरी गुड, एक्सीलेंट. चलो सौरभ सरकार कह रहे हैं कि पहला नाम याद नहीं अय्यर याद है, इतना भी चलेगा पेपर में, इतना भी चलेगा. चलो क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है इससे चल जाएगा आपका. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. मेरे साथ हुआ था यूपीएससी के एक इंटरव्यू में, तो मैं नाम आगे वाला भूल गया, मेरे को सरनेम याद था. तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ऐसे जैसे मेरे को मान लो उसे ऐसे यही पूछा तो मैं परमेश्वरन बोल गया. मैं बोल रहा हूँ मिस्टर अय्यर, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं. तो वो भी समझ गए कि इसको पहला नाम भूल गया, इसको सरनेम याद है. ठीक है. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. AK Sood has been appointed as the principal scientific advisor to the government of India for a period of 3 years. ये भी हमने पढ़ा था AK Sood, ये बहुत important है. Indian American Navy Shanti Sethi has been appointed as USA. ये रही, ये आपका Shanti Sethi USA Vice President. कल Kamala Harris के defense advisor आई हैं. अच्छा नवीन सर के relative. अच्छा अच्छा सही है, मनोज पांडे ही हो गया था. हाँ जी अभी अभी गए थे सुदीप्ता, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है जी. चलो सो लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार हैज बीन अपॉइंटेड एज DGMO. बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है DGMO. व्हेन यू गो इनटू द सर्विसेज यू गेट टू नो DGMO इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. सो लेफ्टिनेंट जनरल MK कटियार. इकबाल सिंह लालपुरा, पहले इन्होंने रिजाइन किया, मतलब क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़े पंजाब में, वहां नहीं जीते. ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं इकबाल सिंह लालपुरा. इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन बनाया गया. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. विनय मोहन कवात्रा जी को बनाया गया है अपॉइंटमेंट, मतलब नया फॉरेन सेक्रेटरी, अभी विदेश सचिव हैं हमारे. और सत्या ईश्वरन हैज बीन अपॉइंटेड एज IT जॉइंट विप्रो कंट्री हेड फॉर इंडिया. वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉपीराइट्स है ना, ये सारी चीजें हम जो पढ़ते हैं. मुझे भी डेट याद आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है. ओके. नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 21. अप्रैल 25 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मलेरिया डे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. और अप्रैल 22 वर्ल्ड अर्थ डे. PV सिंधु ने सेकेंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल जीता एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में. PV सिंधु ने सैयद मोदी वाला जो ट्रॉफी था वो भी जीता था, वो भी याद रखना. हरियाणा हैज बीन क्राउंड चैंपियंस ऑफ 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप. विक्टोरिया सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स. अभी एक अभी कहाँ पे आज ही शुरू हुई है. टॉर्च बीरर बनाया गया है दो लोगों को. पहले नीरज चोपड़ा ने जाना था बट इंजरी हो गई, अभी सिल्वर मेडल जीता उन्होंने. तो अभी कहां पर शुरू हुई है आपकी 2022 की, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो. अभी 2026 की कहां होंगी? ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया सिटी, याद रखना. दीपिका पालीकल पालीकल विद सौरभ घोषाल हैज वॉन द मिक्स डबल स्क्वैश चैंपियनशिप. ठीक है. अप्रैल 24 केशन वन द भारती केस. शाबाश, दिल खुश कर दिया, मतलब क्या बात है ना. 24 अप्रैल 1973, क्या बात. शी नेम फॉर फ्लैग बीरर इन कॉमनवेल्थ
यस सिंधु ही है, यस बिरमिंगम में, यस बिरमिंगम यूके, यस गुड। सो ऑस्ट्रेलियाज वुमेन टीम हैज लिफ्टेड द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड। सो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को। ठीक है जी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं था ये, आप थोड़ा गड़बड़ कर गए, और 1993 नहीं है, 24 अप्रैल 1973 है, 1973 है जो केशव नंदा भारती केस है। अच्छा 24 अप्रैल 1993 की बात कर रहे हो, ओके सॉरी सॉरी, मैं गॉट इट मनीष, गुड। पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेन्स ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2022। हरप्रीत सिंह एंड सचिन सहरावत बैग द ब्रॉन्ज रिलेटेड टू रेसलिंग। हाँ जी, गुरु तेग बहादुर जी, ही इज द ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद साहब, सिक्स गुरु, ही वॉज द नाइन्थ ऑफ द 10th गुरुज, हिंद की चादर इन्हें कहा जाता है। द स्टोरी गोज लाइक दिस के कश्मीरी पंडित आते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है उनका, ठीक है, और उसको बचाने के लिए वो जाते हैं। ठीक है जी, दिल्ली में जब आते हैं तो आपको एक शीशगंज गुरुद्वारा मिलता है, तो कहा जाता है कि वहां उनका जो है कह लीजिए बिहेडिंग हुई, दैट इज हाउ द स्टोरी गोज। पॉपुलरली नोन एज वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह वॉज बॉर्न इन उजैनिया, क्लैन ऑफ परमार, राजपूत ऑफ जगदीशपुर, और जो सबसे उम्र दराज कह लीजिए लीडर थे, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, बिहार में लड़ने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह थे। एन एक्सपर्ट ऑफ गुरिला वॉरफेयर, ही फॉट वेरियस बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफ आरा, आजमगढ़, कानपुर, बलिया। ठीक है जी, कुंवर सिंह, बिल्कुल ठीक है। आज थोड़ा मैथ्स का तड़का लगा ही देते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1/6 ऑफ अ नंबर इज 53 और 57% उसका क्या होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को x इंटू 53 इंटू 6, फिर आपने 53 इंटू 6 ऐसे लिखा ये, ठीक है, ऐसे लिख के फिर आपने 318 को 57 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा फिर फायदा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखो कैलकुलेशन करने का तरीका समझ लो, ये भी आपको बताना चाहिए। 53 इंटू 6 मेरे दिमाग में तुरंत आएगा 50 + 3 इंटू 6, मैं देखूंगा 300 + 18, 318, ठीक है। अब 57%, अब देखो 50% करो आप, 50% मतलब हाफ, 159 सही है। अब आप ये देख लो ना, तो 50% है 159, और 10% कितना होगा, 31.8, मैं इसको 31 मान लेता हूं अभी के लिए, तो इसमें 31 ऐड किया तो 190, तो मेरा 57 पूछ रहा है, तो 159 से 190 के बीच में होगा, ऑप्शन ही सी बन रहा है, समझ आया। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए या बेयर मिनिमम कैलकुलेशन से सीधा ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हैं। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने 53 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए 50 + 3 दिमाग में सोचा, 15 टू 6 300, 3 टू 6 18, 318, 318 का हाफ मैंने सोचा 159, तो 159 दिमाग में आते, 50% से ज्यादा है 57%, तो ए और बी हो नहीं सकता, डी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 10% मेरा कितना हो गया, मेरा हो गया 10% 31.8, दैट इज 190, तो 159 से 190 के बीच में होगा आंसर। मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं 53 इंटू 57, 318 को मैं 57 से मल्टीप्लाई करूं, समझ आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, मतलब इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा आपका आंसर सी आना चाहिए। अब वैसे ही पहला क्वेश्चन, अगर आप इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला फंडा करने बैठ गए, तो फॉर्मूला लगाने बैठ गए, मेरे को याद नहीं रहता है, तो ये आपको आना चाहिए भाई। ये कह रहा है 10% का लॉस, मेरे पास 100 रुपए का एक पेन है, मेरा मैजिक पेन है, मैंने 10 रुपए लॉस में बेच दिया, तो मैंने 90 रुपए में बेचा, 10% का लॉस हुआ,
तो ये कह रहा है कि एक आर्टिकल उसने 2700 का बेचा, तो 90 का बेचा तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 2700 में, 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 2700 तो ये हो गया 3000, और पूछ रहा है 3600, 600 रुपये का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 3000, 20% आ गया। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला लगाने से अच्छा सीधा, वैसे तो अगर 2700 का 10% लॉस है तो दिमाग में सीधा आपके क्लिक होना चाहिए 3000, 3000 होगा, 3000 से वो 159 से आगे क्या किया, 159 से आगे मैंने ये किया कि मेरा 318 आ रहा था, तो मेरे को ये पता है ये 50% है, इसका 10% कितना हुआ, 31.8। ठीक है, किसने पूछा है क्वेश्चन, मोनिका। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 31 मान लिया, तो मैंने 159 में 31 ऐड किया तो 190 आ गया, मतलब 190.8 आ गया, तो मेरा जो 50% है वो 159 है, 60% है वो 190.8 है, पूछा 57% है, ऑप्शन ही एक बन रही है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेशन में बैठ गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सीधा आंसर आना चाहिए, और 318 को आपने 57 से मल्टीप्लाई किया, फिर 181.265 फाइंड आउट किया। नहीं, 2700 का ये नहीं है, मैंने 100 रुपये का सामान 10% के लॉस में बेचा तो 90 में बेचा, अगर मैं कोई 90 में बेचता हूं तो मेरे को 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 2700 में कितना होगा, 3000, 3600, 3000 को मैं 3600 में बेच रहा हूं, तो ये 20% प्रॉफिट हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है, ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाओगे, मेरे को थोड़ा कम रहते हैं फॉर्मूला याद, तो मैं तो ये ट्रिक्स अपनाता था, बाकी इसको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 बज गए हैं, जल्दी से। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि कल से तो ऐसा ना हो कि सेशन आने में बंद हो जाए, लोग कहें कि यार सर का सेशन काफी लंबा चल जा रहा है। ओके, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स, फास्ट एंड सिक्योर टेलीकास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्ट एंड सेफ टेलीकास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। हाँ जी, फास्टर क्या है? ये मीम सही है सर, बहुत बार वैल्यू इतना सिंपल नहीं देते एग्जाम में, सब मुश्किल होता है। मैं आपको इसका मुश्किल वाला क्वेश्चन भी, देखो आपको ना मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन ट्रस्ट मी सिर्फ ऑप्शन से आप कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन, मैं सिर्फ उसमें ये बताना चाहता हूं मानसी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यस, आंसर इज फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है ना जो सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2+2, थर्ड 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएस वर हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी, 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मल मीटिंग बिटवीन फाइनेंस एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द नेशंस। ठीक है जी, दे अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड प्लेस टू एक्सपेंड द बायलेटरल स्पेस कॉपरेशन। हाँ जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये डिफेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं था, ठीक है ये गलत हो गया, ये गलत है, तो बी ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन 3 में है, फिर आ जाओ अच्छा सी बी, अब थर्ड था या सेकंड था, फर्स्ट था लास्ट था, याद आ गया। अच्छा नन, नहीं, नन तो सारे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट तो सेकंड तो है ही है कंफर्म, अब ये थर्ड का याद है या नहीं, स्किप मोनिका, कल हमने पढ़ा था मोनिका, कल के सेशन में है ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन से रिलेटेड है, सो इट इज रिक्वेस्टेड दैट आप कल का सेशन देख लें। फोर्थ नॉट थर्ड 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ए और बी इनकरेक्ट है।
President of India has paid a visit to which of the Central Asian nation, which was also the first ever visit by Indian president to that particular country? Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. हाँ, इनकरेक्ट पूछा है ना? चतुर आ गया, क्या बात है। मेरे को वो थ्री इडियट्स की हिस्टोरिक स्पीच याद आ जाती है, ठीक है, वो जो जब भी ये आता है तो। चलिए, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पेड अ विजिट टू विच सेंट्रल एशियन नेशन विच इज ऑल्सो द फर्स्ट एवर विजिट। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है जी, तुर्कमेनिस्तान है। सो इंडिया एंड विच साउथ एशियन नेशन हैव साइंड अ एमओयू फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन द लेटेस्ट टेरिटरी? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव्स। मेरे को लग रहा है चतुर भी क्विज कर रहा है, कह रहा है कि तुम क्विज मत करो, तुम्हारा ध्यान क्विज में नहीं जाना चाहिए तुम। ठीक है, ठीक है जी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव्स। देखो, एक चीज को पॉजिटिव भी लो। चतुर दोपहर की 12 बजे वाली क्लास में रेगुलर है, ठीक है, तो इससे पॉजिटिव लो कि आपको भी रेगुलर रहना है क्लास में। आंसर इज इंडिया और श्रीलंका। यस यस यस, श्रीलंका। USCIRF has designated India as a country of particular concern for third consecutive। इंडिया के साथ साथ कौन से देश हैं? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, रशिया, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, वो एक डायलॉग है ना, तो फिर आ गया लाख तक लानत रहते रहते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए, सारे देश थे उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज फॉर 5 ईयर्स। प्रिजन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर लिस्ट 2 of 7 शेड्यूल। अब इतना स्पेसिफिकली लिखा है टीम ने के, तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऐसे चिक चिक के कह रही है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ठीक है, तो सी गलत हो गया। मेरे को भी नहीं पता आंसर, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। सो सी बचा, सी एंड डी बचा। ए स्टेटमेंट सही है, गाइडलाइंस है। ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की ये देख लो, 5 साल है कि नहीं। चाहे अपने ज्ञान का भंडार भर रहा है और यहाँ सब छात्रों को एग्जैक्टली प्रॉपर चतुर वाला ही काम कर रहा है वो। यस, ठीक है जी। सो आंसर इज ए ओनली। सो इट इज फॉर 21 to 26। ये थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे, बट फिर भी चलो कोई नहीं, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडी? 72nd, 74, 73rd। ठीक है जी, चलो 70 इजी है, 74th है, सिंपल है। ठीक है, चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई नो दिस हैज बीन अ बिग लेक्चर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली, वेरी पेशेंटली, एंड थैंक्स फॉर सच अ लवली ऑडियंस। सो दिस इज UPI ID एंड QR कोड वेर यू कैन डू द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस। दिस इज द चैनल वेर यू कैन शेयर, एंड आई डोंट वॉन्ट टू make this session paid. I'm again and again saying this thing, and please share. So as the Monica is saying that she's the ex-student, but she got to know about the classes, so it is humble request that it should reach to the every student possible. Okay, so this is a free classes, anybody can join and see the classes. Thank you so much. I will share the PDF on the Telegram channel. Thank you Novodit, Ekta, Damini, Dhyan, Saurav, and we'll meet tomorrow at the same time, same place, at 12 p.m. So we'll start with the May current affairs, May part 1. And I have stopped taking current affairs of May, if you remember. So I would have to read very thoroughly. So maximum 8 students he hai. Thank you so much, Viprajit. Thank you, Sarthak, Saurav, Ekta, Biswa, Ajitesh. Kal milte hain, same time, same place. And it would be great that if you share the session to the maximum number of people. Thank you very much. Stay blessed. Khush rahiye, muskurate rahiye, padhte rahiye, har din apne aap ko improve karte rahiye. Theek hai ji? Thank you.
थैंक यू। अभी मैंने लंच नहीं किया बेटा, 12 बजे क्लास थी, 2:10 हो गए, अभी लंच किया किसने? सब लंच करेंगे अभी। आप सर बायजूस पर नहीं, बच्चों ने बवाल कर दिया था करंट अफेयर के चैट पर। चलिए, थैंक यू मोनिका, थैंक यू राखी, आशा।